सलाम नमस्ते हेलो केम हेलोम स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जिये भाई पीयूष तो। सुबह हो चुकी है और आपके लिए ताजा तरीन खबरें लेकर के आ चुके हैं आपके सर तो फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए पेपर पेन लेके बैठ जाइए दोस्तों जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर और स्टडीज जी के जनरल नॉलेज आपके दोस्तों एग्जाम में आता है आपको डेली हैबिट बना लेनी है एग्जामिनेशन हो चाहे ना हो कंपिटिटिव वर्ल्ड में रहना है कभी भी वैकेंसी आती है और आपको दोस्तों इसे अपनी डेली हैबिट बनानी है क्योंकि ये आप कवर नहीं कर सकते हो सारे करेंट अफेयर आप अगर एक दिन का भी छूट जाता है जैसे मैंने कल आधा आधे करंट अफेयर पढ़ाए फिर मुझे किसी इमरजेंसी वर्क की वजह से जाना पड़ गया और आप लोग जानते हो उसको उस काम को मेरी वाइफ का ऑपरेशन था और मैं टाइम से वहाँ पहुँच भी नहीं पाया मेरे जाने के पहले ही वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी तो अब वो मुझे आज भी पढ़ाना है यानी कल के आधे करंट अफेयर और आज के पूरे करंट अफेयर तो सोचिए दोस्तों जब आप लोग जो है एक दिन नहीं पढ़ते होगे तो आप लोग के ऊपर कितना बर्डन पड़ जाता होगा जब मैंने एक दिन आधा पढ़ाया आधा नहीं पढ़ाया तो मेरे ऊपर आज एक्स्ट्रा बर्डन है कि कल का भी कंप्लीट करना है और आज का भी तो सोचिए आप लोग के ऊपर कितना बर्डन पड़ता होगा तो इसलिए दोस्तों इस काम को डेली खत्म करके रखिए क्योंकि आप ये सोचोगे कि वीकली में सब कवर हो जाएगा तो वीकली में सारे करेंट अफेयर्स तो नहीं होंगे मंथली में तो और कम होंगे फिर सिक्स मंथ में तो और कम होंगे और जो करेंट अफेयर्स छोड़ दिए गए एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन पूछता है ठीक है बात समझ में आ रही है बस वो गाल ब्लेडर निकाल दिया गया तो एक ऑर्गन कम हो गया आपका तो वो पेन है वहां पर वहां पे भाई जहां से ऑर्गन हटा है जहाँ पे ऑर्गन कटा है वहां पे पेन तो होगा ही और वो पेन उन्हें जो है दोस्तों जो है बर्दाश्त करना पड़ रहा है बात समझ में आ रही है तो यहां संजू भी कह रही है कि राइट सर right, अगर मैं एक दिन का नोट नहीं नोट कर पाती हूं तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता मुझसे सोचो एक दिन का नोट चुप अगर छूट जाए तुम्हारा तो तुम्हें अगर एक दिन का करंट अफेयर छूट जाए तुम्हारे पचास करंट अफेयर छूट जाते हैं और अब तुम भगवान से मना रहे हो कि उस दिन जिस दिन मैंने नहीं पढ़ा था उसमें से एग्जामर न पूछे तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि आप जिस दिन पढ़ते हो उस दिन सोचते हो वाह यार आज तो कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज का छूट जाता तो क्या होता सोचते हो ना तो ऐसे ही जिस दिन का छूटा है उसमें भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी कोई टीचर ये नहीं डिसाइड कर सकता वीकली में कि ये एग्जामिनर पूछेगा या नहीं पूछेगा कोई भगवान नहीं है अपनी अपने अनुभव के आधार पर चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों एग्जामिनेशर के मन में क्या है एग्जामिनर के मन में क्या है ये कोई नहीं समझ सकता क्योंकि हम जिसे इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं वो कह रहा है अच्छा ये इंपॉर्टेंट है मैं अब ऐसा पूछूंगा जो तुम जो है तुमने जिसको नॉन इंपॉर्टेंट समझा होगा जिसको तुमने नजरअंदाज कर दिया होगा उन रिपोर्ट्स के बारे में पूछूंगा उन मिनिस्ट्रीज के बारे में पूछूंगा ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया तो दोस्तों जो है आइए हम लोग यहाँ पे ताबड़तोड़ करंट अफेयर की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों जी जी के जी का वन स्टॉप सेंटर जीए बाई प्यूसर जहां आपको सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है दोस्तों जितने भी एग्जामिनेशन आपके लाइनअप होते चले जाते हैं पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कि जीए बाई प्यूसर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे लिंक भी शेयर हो गया है है ना मैं अभी फ्री होकर सारे पी शेयर करूंगा जब भी फ्री हो जाऊंगा है ना अभी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को शेयर कर दिया जाए ठीक है आज दोस्तों यहाँ पे सिक्स मंथ फिनेंशियल करेंट अफेयर और इंश्योरेंस मार्केट अवेयरनेस की क्लास चल रही है बारह बजे और ये क्लास आज होगी ये क्लास करने के बाद में आज हॉस्पिटल जाऊंगा ठीक है तो ये क्लास आज होगी क्योंकि भाई आप लोग का भी ये यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है दोस्तों डिफिसिट हो जाएगा नहीं तो एग्जामिनेशन क्योंकि नजदीक है ओके बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे 58 एट लेक्चर है मेरे ये बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस जिनको पढ़ना है एकदम बेसिक से पढ़ डालो अभी टाइम है अभी जो है कोई एग्जाम का हेडेक नहीं है कि अचानक से कोई डेट आ गई है अभी से पढ़ डालो सारे ठीक है कॉन्सेप्ट क्लास है कॉन्सेप्ट पे अपनी मजबूत पकड़ बना लो दोस्तों स्टैटिक जी के की यहाँ पे क्लास जो है आपकी मैंने ली है बहुत सारी डायनेस्टीज बहुत सारे युद्ध बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं दोस्तों सब सेशन में अवेलेबल है दोस्तों चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है आइए दोस्तों शुरू करते हैं मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अपने कंट्री हेड के रूप में किसे अपॉइंट किया है तो मॉर्गन हेनली ने मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को दोस्तों जो है कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किया है मॉर्गन स्टैनली ने ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त संजय शाह की जा, जो है, जगह लेंगे ओके दोस्तों अडानी ग्रुप ने एक इसराइल के पोर्ट को दोस्तों इजराइल के बंदरगाह को जो है दोस्तों अधिग्रहण किया है अडानी ग्रुप द स्ट्रेटेजिक इसराइली पोर्ट ऑफ हाइफा हाइफा पोर्ट जो है दोस्तों हाइफा का पोर्ट उसको दोस्तों खरीद लिया है कितने रुपए में अडानी ने खरीदा है दोस्तों तो अडानी जो है दोस्तों जो है इन्होंने 1.2 बिलियन में जो है खरीद लिया ठीक है दोस्तों लोअर सर्किट लग रही है इनके जितनी भी शेयर्स हैं लोअर सर्किट लग रही है तो आप लोग ये पढ़ रहे होंगे रोज की रोज लोअर सर्किट लग जाती है अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स पे है क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक रिसर्च दी थी कि भाई इन्हें यह धांधली कर रहे हैं शेयर के प्राइजेस खुद से बढ़ा रहे हैं खरीद करके अपने शेयर्स को तो बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स में बात कही गई थी कि अडानी जी का बुलबुला है जो कि बहुत तेजी से यह अमीर बने हैं इतना तेजी से दुनिया में कोई अमीर नहीं बन रहा है अब वो बुलबुले पे हम लोग बात करेंगे किसी दिन अभी मैं फ्री हो जाऊं है ना तो यहां पर जो है अब इसका परिणाम क्या हो रहा है इनके शेयर्स गिरते जा रहे हैं ये टॉप टेन से बाहर हो गए ये दोस्तों सेवेंटीन नंबर तक पहुंच गए अब तो स्थिति है और जब भी शेयर खुल रहा है वो लोअर सर्किट लग जा रहा है लोअर सर्किट क्या होता है शेयर बाजार में एक लिमिट सेट की गई है सेंसेक्स की कि 10 परसेंट से ऊपर गया तो भी जो है रोक दी जाएगी ट्रेडिंग और 10 परसेंट से नीचे गया तो भी ट्रेडिंग रोक दी जाएगी अब वो कंपनियों के शेयर्स के लिए पांच परसेंट होता है खैर यानी कि ना बहुत ज्यादा किसी में ग्रोथ हो जाए और ना बहुत ज्यादा किसी में ग्रोथ हो जाए तो दोस्तों जब जब बहुत ज्यादा शेयर बढ़ते हैं किसी दिन तो वो अपर सर्किट पे ले जाके रोक दी जाती है जब किसी दिन शेयर गिरते हैं किसी कंपनी के और या सेंसेक्स के शेयर बाजार के तो लोअर सर्किट पे ट्रेडिंग रोक दी जाती है उस दिन की ट्रेडिंग रोक दी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर रोज इनके शेयर पे लोअर सर्किट लग रही है यानी जितना मैक्सिमम गिर सकता है उतना गिर जा रहा है पाँच परसेंट दस परसेंट गिर जा रहा है बात समझ में आ रही है अब जब खुल रहा है तब ये हो रहा है अब रोज इनकी संपत्ति गिरती जा रही है अब इनकी संपत्ति इतनी गिर चुकी है कि भैया पाकिस्तान जैसे दो देशों की टोटल जीडीपी के बराबर इनका नुकसान केवल एक हफ्ते में हो चुका है केवल वन वीक में हो चुका है तो ये दोस्तों अडानी जी के लिए बड़ा बुरा समय चल रहा है और केवल अडानी जी के लिए नहीं इंडिया के लिए भी बुरा समय है कि भाई इंडिया के भी जीडीपी पे इसका असर पड़ेगा इंडिया क्योंकि केवल अडानी के नहीं सेंसेक्स भी गिरेगा उससे पतंजलि के भी शेयर्स गिर रहे बहुत सारे फिर जो है दोस्तों निवेशकों का अगर इंडिया से सेंटिमेंट उखड़ गया जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो दोस्तों इंडिया का शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा ध्वस्त हो जाएगा जब इंडिया से लोग पैसा निकालने लगेंगे ठीक है तो इसलिए इसको संभालना जरूरी है हमारे देश के नागरिक जो है दोस्तों मजा ले रहे हैं इसका विपक्ष मजा ले रहा है लेकिन ये इंडिया के लिए बड़ा नुकसानदेह ये इंडिया के लिए ही बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज हो रही है अब इस पर जो है आर बी सेबी ने भी जांच बैठाई है दोस्तों जनवरी 2023 में जारी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है दोस्तों जो है सरकारी इंस्टीट्यूशन में पहले स्थान पर आया है सरकारी इंस्टीट्यूशन में पहले स्थान पर कौन आया है दोस्तों तो सरकारी में दोस्तों जो है यहाँ पर यहाँ पे नॉलिंग बीन इन हाइफा पोर्ट इन 2006 वेरी गुड वेरी गुड तो दोस्तों जो है यहाँ पे आई आई एम अहमदाबाद बहुत बढ़िया तो दोस्तों आई एम अहमदाबाद यहाँ पे जो है टॉप पर है आई एम अहमदाबाद टॉप पर है दोस्तों आई एम अहमदाबाद हमेशा टॉप पे रहता है ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों आई एम अहमदाबाद एम के लिए भारत का बेस्ट कॉलेज माना जाता है दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे दोस्तों जो है यह मनाया जाता है आपका सेकेंड ऑफ फेब को वेटलैंड डे क्या होती है आर्द्र भूमि होती है दोस्तों इसे रामसर साइट भी कहते हैं रामसर साइट भी कहते हैं रामसर साइट हमारे देश में कितने है? दोस्तों सेवेंटी फाइव रामसर साइट अब रामसर क्यों इसका नाम पड़ा क्योंकि दोस्तों ये रामसर जो है ईरान का एक शहर है इसका नाम रामसर है जहाँ पे दोस्तों 1972 में जो है एक ट्रिटी हुई थी है ना 1972 में हुई थी या 1971 में हुई थी एक ट्रिटी हुई थी जिसके बाद रामसर कन्वेंशन हुआ था उसके बाद से इसे दोस्तों रामसर साइट्स कहते हैं ठीक है मेरे हिसाब से 1971 या 1972 में मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ थी। क्योंकि इसके 50 साल आ, 2021 में पूरे हुए थे तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था इक्कीस कन्वेंशन के 50 साल पूरे हुए ठीक है हाँ भारत ने 1975 में इसको एक्सेप्ट किया था ठीक है अब होता क्या रामसर साइड जहां पे दोस्तों बर्ड की स्पीसीज रहती हैं अब बर्ड की स्पीसीज और जानवरों के लिए मुफीद जगह कौन सी होगी जहां पानी होगा जहां पानी होगा तो 200 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज जहां पे रहती हैं आठ महीने जो जगह दोस्तों पानी से भरा रहे वाटर से भरा रहे आर्द्र भूमि उसे कहते हैं ठीक है उसे हम लोग दोस्तों वेटलैंड्स कहते हैं या आर्द्र भूमि कहते हैं बात समझ में आ रही है तो वेरी गुड वेरी गुड तो ईरान तेहरान तो मान खैर भारत में जो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स है दोस्तों वो तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है बताओ कितने है रामसर तमिलाडू में। तमिलाडू में रामसर हैं रामसर साइट्स तमिलनाडु में तमिलनाडु में कितने रामसर साइट्स हैं बताइए फटाफट बताइए दोस्तों ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों व्हाट इज द व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे वर्ल्ड वेटलैंड डे की दोस्तों जो है थीम क्या है वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है दोस्तों बताइएगा फटाफट तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो इस बार की थीम रही है वो रही है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम रही है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों इक्वेटेरियल गिनी ने यानी इस, इस कंट्री ने किसको अपना पीएम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है और वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई है यानी किसी देश में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है गिनी में कौन चुनी गई है मैनुएला रोका बोटे मैनुएला रोका बोटे जो है ये फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटेरियल गिनी की बन गई है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों भारत के कुश्ती महासंघ पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित निरीक्षण समिति में कौन शामिल हुआ वो हैज्वाइंट द ओवरसाइट कमिटी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन ऑन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड थे ब्रिजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर बहुत सारे वित्तीय अनियमितताओं के चार्जेस लगाए गए इन पे और इनके अधिकारियों पे और बहुत सारे कुश्ती महासंघ पे दोस्तों यौन शोषण का आरोप लगाया कि पहलवानों के साथ ये लोग गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो दोस्तों उसमें जो है विनेश फोगट मेन जो है, है मोर्चा संभाली थी और दोस्तों अभी फोगट बहने जो हैं बहुत ज्यादा वहां पे हरियाणा में एक्टिव भी हैं तो इसमें बबीता फोगट को दोस्तों जो है इस कमेटी में अभी शामिल किया गया ये कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि एमसी मेरी कॉम थी है ना और बहुत सारे जो है खिलाड़ी थे दोस्तों जो कि इसकी निष्पक्ष जांच कर रहे थे अब फोगट आ गई है तो फोगट फोगट को फेवर कर सकती है अब इन्हें क्यों लिया गया है अब ये अलग ही बात है ठीक है चलिए तो क्या जांच होगी अब ये पता चलेगा कहीं ना कहीं अब उसमें फंसेंगे ही ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके जितने तोमर उमर हैं सब फंसेंगे दोस्तों एफ जो कि हॉकी का इंटरनेशनल फेडरेशन है लॉजेन स्विट्जरलैंड स्विटरलैंड में हेडक्वार्टर है मकाऊ के तैयब इकराम हेड हैं, नरेंद्र बत्रा हेड हुआ करते थे पिछले साल एफ के प्रेसिडेंट वही हैं, तैयब इकराम। तो एफ के प्रेसिडेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है एफ के जो प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है वी के पांडियन को दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो हॉकी फेडरेशन है यानी हॉकी इंडिया उसके हेड कौन है तो उसके हेड है दोस्तों दिलीप टर्की और दिलीप टर्की जो है पहले ऐसे जो है कि हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि हॉकी इंडिया के हेड बने हैं यानी हॉकी इंडिया में अभी तक नेताजी लोग ही हेड बनते थे अभी तक जो है कोई भी खिलाड़ी हेड नहीं बना तो दोस्तों अभी जो है अब नेताजी लोगों को जैसे रेसलिंग फेडरेशन बिजभूषण शरण सिंह ऐसे जो है कि अब परंपरा खत्म होनी चाहिए और जैसे भारतीय ओलंपिक संघ का हेड पीटी टी ऊषा को बनाया गया वो एक खिलाड़ी हैं ऐसे ही काम करना चाहिए कि खिलाड़ियों को दीजिए ना उनका वोट बहुत दर्द समझेंगे खिलाड़ी नेताजी लोग क्या समझेंगे दोस्तों आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और फाइनेंस लिमिटेड लिमिटेड और इक्विपमेंट की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया है तो दोस्तों इस सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो दोस्तों ये जो है वीच रामचंद्र को अपॉइंट किया गया किसको अपॉइंट किया गया है रामचंद्र को अपॉइंट किया गया ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त नहीं भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग की हेड है आ, आपकी क्या कहते हैं एम एम सी मेरी कॉम और उपाध्यक्ष हैं शरत अचंता कमल भारतीय ओलंपिक संघ की हेड नहीं है भारतीय ओलंपिक संघ की इंडियन आईओए ए की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड पी टी है। तो दोस्तों हैज बी रामचंद्र चीफ जनरल मैनेजर ऑफ कैनरा बैंक एज द मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ श्री इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है दोस्तों श्री का वाइट लेवल ए टी एम भी आता है वाइट लेवल एटीएम पे वक्रांगी पे श्री पे दोस्तों जो है आ, वो भी लगी थी क्या कहते हैं पेनाल्टी भी लगाई थी आरबीआई ने दोस्तों आप बता सकते हैं कि वाइट लेबल एटीएम किसे कहते हैं वाइट लेबल एटीएम किसे कहते हैं दोस्तों कौन बताएगा रिलायंस रिटेल वेंचर्स की एफएमसीजी शाखा रिलायंस कंज्यूमर लिमिटेड ने मालिबन बिस्किट कारखाने के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है मालिबन बिस्किट कारखाना यानी कि दोस्तों मालिबन बिस्किट मैन्युफैक्चरीज़ एम बी एम ये किस देश की कंपनी है ये किस देश की कंपनी है दोस्तों ये श्रीलंका की कंपनी है श्रीलंका की कंपनी है दोस्तों ठीक है श्रीलंका की कैपिटल है दोस्तों श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे बहुत बुरी स्थिति चल रही है दोस्तों विच ऑफ कंट्री इन्फ्लेशन हैज राइज इन टू फोर्टी एट ईयर हाई अड़तालीस साठ साल के उच्चतम स्तर पर दोस्तों किस देश की महंगाई पहुंच गई है तो पाकिस्तान में पहुंच गई है। बड़े बुरे हालात है दोस्तों आटे तक की लूट मची हुई है आटा तक दोस्तों जो है लूट मची हुई है बात समझ में आ रही है दोस्तों आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है दोस्तों वो जो है बढ़ गया है डिजिटल पेमेंट इंडिया का बढ़ते जा रहा है दोस्तों जो है सितंबर से लेकर के मार्च तक की जो है जो है दोस्तों यहां पे जो रिपोर्ट आई है वो क्या आई है तो मार्च में दोस्तों जो है इतनी थी ये मार्च क्या है दोस्तों हाफ टू है यानी कि और एक हाफ होता है सितंबर में खत्म ठीक है एक हाफ सितंबर में खत्म होता है एक हाफ तो ये फिनेंशियल ये ट्वेंटी टू का हाफ टू था ये फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री का हाफ वन है हर छः महीने पे ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स दोस्तों जो है रिपोर्ट आती है इससे तो यही पता चलता है ना ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने साल में कितनी बार आती है ये रिपोर्ट तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं तो दोस्तों जैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आर की आती है तो वो भी साल में दो बार आती है ठीक है जिसमें अभी आप लोग को जी और एन मैंने पढ़ाया था आप लोग को तो दोस्तों ये 377.46 हो गई है डिजिटल पेमेंट बढ़ता जा रहा है हर हर छः महीने पे यहाँ ग्रोथ देखी जा रही है और इसमें कितनी ग्रोथ है दोस्तों तो करीब करीब 24.03 परसेंट की ग्रोथ है अब खैर वो तो एग्जैक्ट आप लोग डीआई के स्टूडेंट हो तो तुरंत निकाल के बताओ 349.30 से 377.46 हो गया कितने परसेंट की ग्रोथ हुई ये तो आप लोग डीआई के स्टूडेंट हो आप लोग मैं क्वांट के स्टूडेंट हो तुरंत बताइए दोस्तों विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर टेन थाउजेंड न्यू एम एस एम ईज दस हजार नए एम एस एम ई रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है दोस्तों तो केरल का एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट दोस्तों दस हजार नए एम एस एम ई को रजिस्टर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है ठीक है क्लियर है क्या बात है एमएसएमई मिनिस्ट्री दोस्तों नारायण राणे के पास है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज से कहते हैं एमएसएमई के लिए जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है दोस्तों वो कौन सी जिम्मेदार है तो वो दोस्तों जिम्मेदार है आपकी क्या कहते हैं उसको सिडबी सिडबी जिम्मेदार है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए दोस्तों हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की होस्टिंग करी है मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की होस्टिंग जो है कितने दो अच्छा चलिए दोस्तों आप लोग ये बताइए कि टेलीग्राम पे क्विज कितने बजे होता है दोस्तों हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की मेजबानी की है तो दोस्तों जो है ये जो है पटियाला ने की है मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की जो है दोस्तों जो है मेजबानी वो पटियाला ने की है ठीक है दोस्तों यहां पे जो है एक ब्रेव हार्ट राइड मोटरसाइकिल रैली को भी दोस्तों जो है फ्लैग ऑफ किया गया हरी झंडी दिखाई गई ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों वेस्टर्न घाट्स जो है वहां पे एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला रेयर लो एल्टीट्यूड बेसाल्ट प्लेट्यू मिला है यानी एक बेसाल्ट के पठार मिले हैं ऐसे ऐसे पठार समझ रहे हैं पठार जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं पहाड़ी मतलब उससे पहाड़ों से जो है छोटे वाला वर्जन जो होता है पहाड़ी वाला वर्जन मतलब मैदान और पहाड़ के बीच का जो वर्जन होता है हाइब्रिड वर्जन कह सकते हो दोस्तों ये कहाँ मिला है ये दोस्तों जो है महाराष्ट्र में मिला है। ये कहां पे मिला है दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र में मिला है ठीक है महाराष्ट्र में पुणे के अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने वेस्टर्न घाट पर एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार पाया है महाराष्ट्र के थाड़े में ए की टीम द्वारा खोजा गया यह नया पठार इस बात का सुराग लगा सकता है कि विश्व स्तर पर पौधों की प्रजातियां जलवायु परिवर्तन से कैसे बचती हैं दोस्तों विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट जी ट्वेंटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप कमेटी तो दोस्तों जी ट्वेंटी की मीटिंग्स हो रही है भारत में इस साल सारी के सारी तो दोस्तों फिनेंशियल आर्किटेक्चर वाली मीटिंग कहाँ हो रही है तो फिनेंशियल न्यूज है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोस्तों फिनेंशियल आर्किटेक्चर की मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ में हुई है कहाँ पर हुई है चंडीगढ़ में हो रही है ठीक है जिस चंडीगढ़ को ले कारबुजियर ने दोस्तों डिजाइन किया था ले कारबुर किस कंट्री के हैं बताइए दोस्तों इसरो का जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन फेल हो गया है इस असफलता के पीछे जो प्रमुख कारण क्या था दोस्तों वाइब्रेशन डिस्टरबेंस वाइब्रेशन डिस्टरबेंस दोस्तों यह इसका प्रमुख कारण माना गया है इसरो के हेड एस सोमनाथन जी हैं 15 अगस्त 15 अगस्त 1969 को दोस्तों ये आई थी और पहले हेड थे दोस्तों जो है विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई फर्स्ट हेड हेड थे ठीक है और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर तो सेलिब्रेटेड इन विच ईयर पहला विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस वर्ष मनाया गया था दोस्तों ठीक है वैसे तो इसे 1997 में शुरू किया गया था लेकिन इंटरनेशनल जो है दोस्तों यहां पे बात हो रही है तो यहां पे वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात हो रही है तो ये पिछले 2021 में पहली बार मनाया गया था ठीक है तो 19 देखिए वैसे तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 1997 से मनाया जा रहा है जिस दिन जो है दोस्तों वो रामसर कन्वेंशन हुआ था 2nd ऑफ फेब को तो दोस्तों जो है लेकिन वर्ल्ड वे ये दिन मनाना शुरू किए 1997 से लेकिन इसको जो है दोस्तों जो है कहा जा रहा है कि द फर्स्ट वेट वेटलैंड डे जो है ये जो है प्रपोजल 1997 में आया लेकिन मनाया जाना शुरू किया गया जो है रिजोल्यूशन पास हुआ 2021 में बात समझ में आ रही है प्रस्ताव आ गया था 1997 में लेकिन जो है पास हुआ है 2021 में दोस्तों नमस्ते योजना जिसके लिए बजट में जो है प्रावधान किया गया यह नमस्ते योजना जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मेकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम तो दोस्तों ये सैनिटेशन यानी कि दोस्तों जो है जितने भी सेप्टिंग टैंक की क्लीनिंग होती है है ना सीवर की क्लीनिंग होती है इसको मैकेनाइज किया जाए मशीनीकरण किया जाए ताकि इंसान जो जाते हैं सीवर साफ करने उनकी जान बच सके दोस्तों बहुत जोखिम वाला काम करते हैं सौ करोड़ रुपए इस नमस्ते स्कीम के लिए दोस्तों भारत सरकार ने दिए हैं इस बार के बजट में दोस्तों कल के डेली करंट अफेयर में मैंने केवल प्योर बजट के क्वेश्चन कराए थे बजट पे एमसीक्यू किया था कितने लोगों ने दोस्तों वो देखा था केवल बजट के एमसीक्यूज जो है हम लोगों ने किए थे ठीक है तो दोस्तों जो है यहां पे सेप्टिंग टैंक क्लीनिंग और दोस्तों सीवर क्लीनिंग जो है यहां पे इसको मैकेनाइज करने के लिए यह योजना शुरू की गई दोस्तों व्हाट इज द फ़िनेंशियल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एनएसओ एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुसार भारत में वित्तीय साक्षरता दर कितनी है तो भारत की जो वित्तीय साक्षरता दर है दोस्तों वो है 24 परसेंट फिनेंशियल लिटरेसी जो है रेट है दोस्तों वैसे हमारे देश की लिटरेसी रेट कितनी है अगर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 देखा जाए तो हमारे देश की लिटरेसी रेट कितनी है दोस्तों सेवेंटी फोर पॉइंट जीरो फोर परसेंट और सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी किसकी है केरल की है नाइन्टी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट और सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की है सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट ठीक है ओके चलिए तो दोस्तों कई जगह आपको जो है साक्षरता दस सेवेंटी थ्री परसेंट भी दिखती है लेकिन ये जो है ना दोस्तों सेंसस सेंसस रिवाइज भी हुआ है तो अक्सर में आपको दो आंकड़े दिखते हैं ठीक है तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे बोथ हाउस में किसने प्रस्तुत किया तो संसद के दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों फिनेंस मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया लेकिन देश के सामने आ, आर्थिक सर्वेक्षण बनाता कौन है तो वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है अनंत नागेश्वरन अनंत नागेश्वरन देश के सामने इसको पेश करते हैं मीडिया के सामने पेश करते हैं ठीक है लेकिन सदन में तो भाई मंत्री ही प्रस्तुत करेगा तो अनंत नागेश्वरन द्वारा बनाए गए इकोनॉमिक सर्वे उनकी टीम के द्वारा बनाए गए इकोनॉमिक सर्वे को बजट के एक दिन पहले दोस्तों जो है सदन में प्रस्तुत किया जाता है उसके अगले दिन बजट आता है तो एक फरवरी को बजट आया था तो इकतीस जनवरी को और ये जो रिपोर्ट होती है दोस्तों कि हमारी क्या स्थिति है पूरी रिपोर्ट साल भर की देते हैं भाई आपने बजट बनाया अब उसका हिसाब दोगे आपने एक फरवरी को बजट बनाया कि हम इस साल ये करेंगे 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 क्या किया वो आर्थिक सर्वेक्षण होता है हमने ये किया ये पाया इस सेक्टर में ये पाया इस सेक्टर में ये पाया इन सब पे मैंने दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे पे क्लास ली हुई है बजट पे मैंने कम से कम चार पांच क्लासेस ली हुई हैं, जिसमें अलग अलग में अलग अलग डेटा बताए गए एक तो इकोनॉमिक सर्वे की तीन मिनट की वीडियो है जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा है एक इकोनॉमिक सर्वे बजट का कंबाइंड है ठीक है क्लियर है दोस्तों जी की फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है तो जी जी ट्वेंटी की फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है दोस्तों वो कहाँ पर आयोजित की गई है ये आसाम में आयोजित की गई है किस राज्य में आसाम में दोस्तों आयोजित की गई है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो देखिए अभी आपने देखा कि एक फिनेंशियल वाली मीटिंग जो है वो दोस्तों जो है हुई है चंडीगढ़ में और एक दोस्तों ये फिनेंशियल सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये आसाम में हो रही है ठीक है आसाम में कहां पे हो रही है ये भी याद रखना है तो गुवाहाटी में हो रही है ओके क्लियर है चलिए तो आप बताइए कि चंडीगढ़ में कौन सी फिनेंशियल वो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर थी वो क्या थी वो फिनेंशियल आर्किटेक्चर थी ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों अमृत धरोहर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों एक बजट में इसकी भी बात की गई है अमृत धरोहर स्कीम की दोस्तों जो है बजट में इसको बोला गया है कि जितने भी टू इंक्रीज द ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स इन द सिटीज एंड टू इंप्रूव देयर बायोडाइवर्सिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अमृत धरोहर स्कीम दोस्तों अभी अमृत सरोवर भी इसी का हिस्सा था अमृत सरोवर में दोस्तों तालाब बनाए जा रहे थे यूपी से शुरू हुई थी योजना जो पूरे देश भर में फैली अमृत धरोहर में भी वैसे ही बायोडाइवर्सिटी और वेटलैंड्स को बनाने की बात कही जा रही है इंप्रूव करने की बात कही जा रही है अगले तीन साल में इसका इंप्लीमेंटेशन होगा कितने साल में तीन साल में ये बात भी दोस्तों बजट में कही गई है ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों सीकल सेल एनीमिया जो मानव शरीर में जो जिसके बारे में बजट में बात कही गई है कि इसे खत्म करना है दोस्तों किस ईयर तक खत्म करने की प्लानिंग है बताओ जरा सिकल सेल एनीमिया दोस्तों जो गुजरात के ट्राइबल लोगों में दोस्तों पाया जाता है ये जो है दोस्तों रेड ब्लड सेल्स की जो है ना दोस्तों जो है ऐसी जो है कि वहां पे सर्किल नहीं बल्कि रॉड की तरह ये लंबे लंबे दोस्तों सेल्स पाए जाते हैं ठीक है हम लोग में गोल होते हैं इनके में दोस्तों ऐसे नुकीले जो है कि एकदम चावल की तरह दाने की तरह रॉड की तरह होते जो बहुत इनको पेन करते हैं इनके जो है शरीर में दोस्तों 18 से 40 साल के आदिवासियों में बहुत ज्यादा ये पेन का कारण बनता है इसकी दोस्तों इलाज नहीं मिल पा रहा है पूरी दुनिया को मोदी जी जहां जाते हैं वहां पर इस जापान गए थे वहां पर उनके रिसर्चर्स से बात की कि इसके लिए कुछ करिए इसके लिए कोई कुछ करिए ठीक है तो अब उनकी चिंता का विषय है ये दोस्तों तो उसके लिए वो लगे रहते हैं कि आदिवासियों के इस दर्द को हम कैसे जो है खत्म करें दोस्तों किस कंपनी ने हाल ही में माइटी मिनिस्ट्री के साथ नई दिल्ली में एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए एक स्टार्टअप और इनोवेटर्स इनुवेटर, की लिस्ट जारी की है तो दोस्तों यहां पे जो है माइटी मिनिस्ट्री के साथ मेटा ने टाइप किया और मेटा दोस्तों फेसबुक का नया नाम है मेटा कंपनी के अंदर अब फेसबुक आती है है भी आता है, और इंस्टाग्राम भी आता है और भी बहुत सारी कंपनियां आती होंगी ठीक है तो दोस्तों इस प्रोग्राम में जो है स्टार्टअप्स को बीस बीस लाख रुपए के ग्रांट्स भी दिए जाते हैं दोस्तों उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करने के लिए आईआईटी पटना के साथ टाइप किया तो ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों किसान ड्रोन के लिए इस समय बहुत तेजी से चल रही है तो ड्रोन डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड ने दोस्तों यहाँ आई पटना के साथ क्या किया है टाइप किया आई पटना के साथ क्या किया है मेरे भाई टाइप किया है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए कि डीडी जो है दोस्तों ड्रोन डेस्टिनेशन जो है दोस्तों ये ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर है इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग एकेडमी का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत जो नेश फ्लाइंग एकेडमी है उसका ये ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर भी है ओके ठीक है चलिए तो दोस्तों डीडी कंपनी भारत में 1200 से अधिक डीजीसीए प्रमाणित ड्रोन पायलट्स को सर्टिफिकेट देने वाला पहला ड्रोन ट्रेनिंग संगठन बन गया है ठीक है तो याद रखिएगा अब दोस्तों इसमें पार्टनर कौन कौन है तो यहाँ पे देखिए तो आई है इंदिरा गांधी वाला डी, -डी है ड्रोन आ, ये है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे संस्कार धाम को भी बोला गया है संस्कार धाम ये तीन लोग दोस्तों मिल करके इसे डेवलप करेंगे आईआईटी पटना तो है ही आईआईटी पटना तो है ही ओके पटना में दोस्तों जो है डॉल्फिन डौ, डौ, का कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया गया दोस्तों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हर महीने की भारत की बेरोजगारी की दर को बताता है इंडिया की रेट को बताता है तो चार महीने के निचले स्तर पर भारत की बेरोजगारी दर आ गई है अनइंप्लॉयमेंट रेट दोस्तों निचले स्तर पर आ गई है 7.14 7.14 भारत की बेरोजगारी की दर हो गई है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दिसंबर में एट थी दोस्तों जनवरी में आ गई है रिपोर्ट सेवन की ठीक है क्लियर है नवंबर में एट पॉइंट जीरो थ्री अक्टूबर में 7.92 पॉइंट नाइन टू में सिक्स पॉइंट फोर थ्री तो दोस्तों सितंबर में जो है जो है लो थी जनवरी से ज्यादा लो थी तो ये कितना मंथ लो हुआ लोएस्ट इन फोर मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी तो दोस्तों जो है इसके पहले हमें सितंबर में जो है लो मिला था ओके क्लियर है तो ऐसे याद ऐसे हम लोग ध्यान देते हैं कि किस महीने में लो गया है उस महीने को छोड़ के उसके अगले महीने को गिनते हैं और जिस महीने की रिपोर्ट है उसको भी इंक्लूड कर लो तो फिर ये चार महीने का लो पता चलता है क्योंकि कितने महीने के लो है इस पर भी आप लोग बड़े कन्फ्यूज हो जाते हो कि सर ये कितने महीने का लो है ठीक है जनवरी में जो दोस्तों रूरल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल अनइंप्लॉयमेंट जो है दोस्तों वो जो है 6.48 परसेंट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों 8.55 परसेंट है ये भी देखिए ठीक है उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर जो है वो इस महीने के कहां पे देखी गई है जम्मू कश्मीर में ट्वेंटी 1.8 पॉइंट परसेंट ट्वेंटी वन परसेंट उसके बाद हरियाणा है फिर राजस्थान है ठीक है सबसे कम बेरोजगारी दर 0.5 परसेंट के साथ छत्तीसगढ़ में है उसके बाद उड़ीसा है फिर तमिलनाडु है फिर एमपी है ठीक है तो अभी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर जम्मू कश्मीर में है वो मान लो यूनियन टेरिटरी है अगर स्टेट में देख लिया जाए तो हरियाणा है ठीक है हरियाणा है और राजस्थान थर्ड नंबर पर तो इन्हीं सब में कॉम्पिटिशन चलता रहता है दोस्तों कभी कोई आगे हो जाता है कभी कोई आगे हो जाता है दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है दोस्तों वो जो है किस विरासत स्थल पर चलेगी किस विरासत स्थल पर चलेगी दोस्तों फटाफट बताइए तो खैर दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी ये तो हम लोग को पता था नैरो गेज पे चलेगी ये भी हम लोग को पता था जो मैदानी इलाके में जो लंबी वाली पटरी होती है मोटी वाली पटरी होती है उस पर नहीं नैरो गेज पर दोस्तों चलेगी नैरो गेज पर यह चलेगी दोस्तों जो है ये कहा गया था बहुत दिन पहले ही लेकिन अब नैरो गेज क्या होता है जो पहाड़ी इलाकों में चलती है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी है यूनेस्को की जैसे दार्जिलिंग जाओगे तो छोटी छोटी ट्रेन चलती है शिमला जाओगे कालिका जी जाओगे तो छोटी छोटी ट्रेन चलती है टॉय ट्रेन टाइप की है ना वो पहाड़ों पर मुड़ जाती है ये मोटी पटरी वाली पहाड़ पर मुड़ ही नहीं पाएगी है ना तो दोस्तों वो हेरिटेज सर्किट्स माने जाते हैं क्योंकि उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी गिना जाता है ये बहुत प्राचीन आ, ये जो है, दोस्तों, जो है, ट्रेन है तो इसको जो है दोस्तों के जैसे कि हेरिटेज सर्किट कहाँ चलाया जाएगा कालिका शिमला कालिका शिमला वाले रूट पर दोस्तों जो है इसे चलाए जाने की बात कही जा रही है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त ओके

ने कहा कि रेलवे को अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उस समय ब्रिटेन की जो है एक अलग प्लानिंग थी कि रेलवे को डेवलप करो ताकि लूट का माल समुद्र तक समुद्री तट तक जल्दी से पहुंचाया जा सके मुंबई तक पहुंचा दो फिर मुंबई से हम लोग स्वेज नहर होते हुए माल लेके पहुंच जाएंगे तो 1925 में पहला रेलवे बजट आया था दोस्तों और आखिरी जब 2017 में दोस्तों ये खत्म हो गया 2017 में रेलवे बजट पूरी तरीके से खत्म हो गया था भारत में ठीक है बात समझ में आ रही है तो अब रेलवे बजट उसी में इंक्लूड हो गया वरना पहले इकोनॉमिक सर्वे आता था उसके अगले दिन रेलवे बजट आता था तब जाके मेन बजट आता था अब जो है रेलवे बजट इसी में इंक्लूड हो गया तो रेलवे बजट टू लाख करोड़ है दोस्तों इस बार का और रेलवे मंत्री कौन है अश्विनी वैष्णव है दोस्तों इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लॉन्च किया है कितने रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लॉन्च किया गया है दोस्तों फटाफट बताइएगा ठीक है 2017 से ही दोस्तों एक फरवरी को बजट आने लगा वरना फरवरी के लास्ट डे को आ करता था ठीक है दो करोड़ रुपए का दोस्तों नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है दोस्तों यहां पे लॉन्च किया गया है ठीक है बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया दोस्तों उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो भारत का जो रुपया आ रहा है दोस्तों डिजिटल रुपया उसके फर्स्ट फेज के इंप्लीमेंटेशन की घोषणा की है तो फर्स्ट फेज के इंप्लीमेंटेशन की घोषणा की है दोस्तों कोटेक्ट महिंद्रा बैंक ने कोटे महिंद्रा बैंक द द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑफ फर्स्ट फेज टू एज द डिजिटल रूपी तो दोस्तों जो है इसे डिजिटल रुपया कहा जा रहा है कोटेक्ट महिंद्रा जो है दोस्तों क्लोज यूजर ग्रुप कस्टमर्स का है दोस्तों उसमें जो है इसे यूज कर रहा है रिटेल कस्टमर्स के लिए और बिजनेस के लिए दोस्तों ये किन शहरों में दोस्तों जो है लॉन्च किया जा रहा है कोटेक महिंद्रा के द्वारा मुंबई दिल्ली और अहमदाबाद तो यहां अहमदाबाद हमें नया शहर दिख रहा है तो ये याद कर लीजिएगा कि नया शहर कौन सा है अहमदाबाद है दोस्तों इसे याद करिए ठीक है तो फर्स्ट फेज में अभी तक कोटेक महिंद्रा बैंक का भी नाम नहीं आ रहा था कोटेक महिंद्रा बैंक को भी हम लोग दोस्तों याद कर लें ठीक है दोस्तों कौन सी कंपनी हाल ही में आर द्वारा निर्मित ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को एक्सेप्ट करने वाली पहली ऑर्गेनाइज रिटेल चेन कंपनी है यानी सी सी को एक्सेप्ट करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बन गई है दोस्तों रिलायंस रिटेल बन गई है रिलायंस रिटेल दोस्तों भारत की पहली कंपनी बन गई है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त बहुत बढ़िया दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आईडीएफसी लिमिटेड से कितने निवेश प्राप्त किए हैं और बैंक में अपनी हिस्सेदारी छत्तीस दशमलव तीन आठ परसेंट से बढ़ाकर चालीस परसेंट कर है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो है दोस्तों यहां पर 2200 करोड़ रुपए के दोस्तों इन्वेस्टमेंट आईडीएफसी से प्राप्त किए हैं ठीक है और बैंक में अपनी हिस्सेदारी जो है आई ने जो है वो चालीस परसेंट कर लिया आई क्या है दोस्तों एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जिसको दोस्तों बैंक कॉमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया था कॉमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस बंधन को और आई को दिया गया था दोस्तों दो में ये लास्ट दो बैंक हैं जो भारत में आई हैं आ, मतलब भारत की लास्ट दोनों बैंक के हैं इसके बाद कोई बैंक नहीं आई है इसके बाद जो भी बैंक आए हैं वो या तो स्मॉल बैंक के फॉर्म में आए हैं या तो पेमेंट बैंक के फॉर्म में आए बड़े बैंकों के फॉर्म में यही दोनों बैंक आए थे लास्ट है ना आई और बंधन बैंक तो आई में आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है आप लोग आई में इंडस्ट्रियल सोच लेते हो वो आई आई में है उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में गुजरात का अपना ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की है तो दोस्तों गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात दोस्तों एक जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज भी है अब विदेशी लोग भी दोस्तों डायरेक्ट भारत में शेयर खरीद सकते हैं तो दोस्तों जो है यहाँ पे केफिन टेक्नोलॉजी केफिन टेक्नोलॉजी दोस्तों जो है यहाँ पे अपना ऑपरेशन शुरू कर रहा है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त गिफ्ट सिटी को दोस्तों आई रेगुलेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जिसके हेड है इंजेट श्रीनिवास गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है दोस्तों दोस्तों इन विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट द पीवीआर सिनेमा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट मल्टीप्लेक्स हाउस्ड विद इन द एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स एयरपोर्ट परिसर में दोस्तों पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा लॉन्च किया पीवीआर ने दोस्तों पीवीआर में कौन सी कंपनी अभी विलय हुई थी पीवीआर और किस कंपनी का विलय हुआ था दोस्तों आईनॉक्स का पीवीआर और आईनॉक्स का आपस में दोस्तों जो है मर्जर हुआ था आपको मैं याद दिला दू ठीक है भारत का पहला जो है मल्टीप्लेक्स लॉन्च हुआ है एयरपोर्ट में दोस्तों चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कहां पर हुआ है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुआ है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों विच ऑफ द फॉलोविंग आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कलिंग लिटरेसी फेस्टिवल कलिंग लिटरेसी फेस्टिवल बुक अवार्ड ने दोस्तों जो है कलिंग लिटरेसी फेस्टिवल का नाइन्थ एडिशन जनवरी में अनाउंस किया है केएलएफ कि नॉन फिक्शन बुक अवार्ड जो है दोस्तों वो इंग्लिश में है जो संजीव जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है संजीव सान्याल जी की दोस्तों रिवोल्यूशनरीज बुक को मिला है जिसमें दोस्तों जो है आज़ादी के नायकों का की स्टोरी दोस्तों इन्होंने बताई है अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन्ट इट्स फ्रीडम ये बुक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपको किसे इतिहासकारों ने ये बुक बनाई तो सर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है तो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संजीव सान्याल जी प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर चीफ नहीं है लेकिन प्रिंसिपल हैं ठीक है थीके? ये दोस्तों प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं ठीक है तो बड़े अर्थशास्त्री हैं अर्थशास्त्री की बुक आएगी तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा तो दोस्तों अब हिंदी नॉन फिक्शन अवॉर्ड कौन ले गए कैलाश सत्यार्थी कैलाश सत्यार्थी जी की बुक तुम पहले क्यों नहीं आए और अखिलेश की ए के एस को दोस्तों कल्यास सत्यार्थी जी दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिला नोबेल पीस प्राइज मलाला यूसुफ जई के साथ मलाला यूसुफ जई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे की ओस्लो में दिया जाता है बाकी सारे नोबेल प्राइज वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था कैलाश सत्यार्थी को किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला था था लास्ट ईयर पूछा क्वेश्चन एग्जाम में फिर आ सकता है क्योंकि कैलाश सत्यार्थी फिर न्यूज में है। तो कैलाश सत्यार्थी जी दोस्तों जो है अस्सी से ज्यादा देशों में बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं जो चाइल्ड लेबर में फंसे हुए बच्चे हैं उनको निकालते हैं उन दलदल से कई तो गोली भी खा चुके हैं मलालई सुखजई को भी गोली लगी है बच्चे बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए तालिबान ने गोली मारी थी ये स्कूल जाती थी और इनको भी गोली लग चुकी है बच्चों को जब छुड़ा के लाते हैं तो उन चंगुलों से तो बहुत सारी लड़कियों को छुड़ा के लाते हैं गंदे इलाकों से अब वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं आज वो बच्चे ही पूरे अस्सी से देशों में इनके मिशन को चला रहे हैं तो दोस्तों इनको एक बच्चे ने भाई जब बच्चा छूटता है ना बच्चा मासूम होता है बच्चा छूटता तो रो रहा है और इनसे बोला एक बच्चे ने तुम पहले क्यों नहीं आए तुम पहले क्यों नहीं आए ये उनकी दोस्तों जो है बुक है हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड जो है जिसने जीता है फिक्शन कैटेगरी में नवतेज सरना की क्रिम्सन स्प्रिंग बुक ने दोस्तों अवार्ड जीता है इंग्लिश सेक्शन में और प्रवीण कुमार की दोस्तों अमर देव दसवा ने हिंदी में जीता है वते सरना की दोस्तों क्रिम्सन स्प्रिंग ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक ने अभी इस साल और भी कोई अवार्ड जीता था ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है ठीक है बात समझ में आ गई तो आपको बताना है नवतेज सरना की क्रिमसन स्प्रिंग जो है इसको कौन सा अवार्ड मिला था तो ये तो मुझे लगता है लाइफ चैट में खाली फालतू की बातें आप लोग कर रहे हैं ये चीज जो है किसी ने नहीं बताया ठीक ये नवतेज सरना की क्रिमसन स्प्रिंग को अवार्ड सर जी ऑपरेशन हो गया क्या मैम का हा मैम का ऑपरेशन कल हो गया मैं आज तुम लोगों को पढ़ा के जब तक पहुंचा तब तक वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी बड़ा मिस हुआ पांच मिनट लेट हो गया तो दूरबीन विधि से हो गई है गल ब्लेडर निकाला जा चुका है पेन बहुत हो रहा है पेन बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा है पेन हो रहा है भाई कोई ऑर्गन निकाल दिया जाएगा शरीर में से कोई अंग कट जाता है हल्का सा तो तीता दर्द होता है अब किसी का ऑर्गन ही निकाल दिया जाएगा तो पेन तो होगा ही अब भाई वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही होंगी बहुत पेन हो रहा होगा ठीक है तो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे हैं तो दोस्तों ये कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल हो आप कलिंग किसको कहते हैं कलिंग दोस्तों उत्कल को कहते हैं उत्कल दोस्तों जनगण मन में एक वर्ड है उत्कल उत्कल दिवस दोस्तों मनाते हैं हम लोग जो है एक अप्रैल को है ना एक अप्रैल 1936 एक अप्रैल को या किसी और दिन एक अप्रैल ही है ना 1936 को दोस्तों एक राज्य का जन्म हुआ था अब आपको बताना है वो राज्य कौन सा है दोस्तों नाइन्थ एडिशन में इंग्लिश हिंदी नेपाली मैथिली ओडिया और अन्य भारतीय भाषाओं में ये जो अवार्ड दिया गया के अवार्ड और दोस्तों अगर ये उड़ीसा में हो रहा है तो जाहिर सी बात है उत्कल नाम उड़ीसा का होगा कलिंग नाम भी उड़ीसा का होगा उड़ीसा में एफ वर्ल्ड कप हुआ कलिंग स्टेडियम में जो कि भुवनेश्वर में है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है एक और राइटर का यहां पे दोस्तों जिक्र आ रहा है उसको भी देख लो इंग्लिश हैज एंड अक्षय अक्षय के राइटर जो है अक्षय मुकुल जो है दोस्तों रेबेल सोल्जर लवर द मैनी लाइफ्स ऑफ अग्गे दोस्तों जो है ये बुक को भी मिला है ठीक है ओके क्या हिंदी नॉन फिक्शन में इनको मिल गया अखिलेश के एस को मिल गया चलो बहुत बढ़िया प्रवीण कुमार की अमर देशवा को मिल गया पोएट रणजीत होस्कोटे वॉन द पोएट्री अवार्ड फॉर इज इंग्लिश कलेक्शन यहाँ पे दोस्तों रंजीत हसकोटे जो हैं इनको अपने कविता के जो है दोस्तों इंग्लिश कलेक्शन के लिए मिला है हंज प्रोस के लिए पंकज चतुर्वेदी के आकाश में अर्धचंद्र ने हिंदी में अवार्ड जीता है दोस्तों फिक्शन कैटेगरी में ठीक है कविता वाला पुरस्कार जीता है ठीक है चलो तो यहां एक आकाश में अंध्र चंद्र ये हिंदी वाला है पंकज चतुर्वेदी का इसको भी देख लो ठीक है दोस्तों जनवरी 2023 में आयोजित एशियन वाटर बर्ड सेंसस के अनुसार किस राज्य और शासित प्रदेश में 52 एवियन स्पीसीज प्रजातियां देखी गई दोस्तों अभी हम लोग ने वेटलैंड डे मनाया अभी हम लोग ने आ, पिछले महीने में हम लोगों ने बर्ड वाला भी डे मनाया था तो दोस्तों बर्ड सेंसस होता है स्पीसीज की सेंसस होती है तो दोस्तों यहाँ पे जो है उनकी जनगणना होती है तो लद्दाख में दोस्तों जो है यहाँ पर बावन नई प्रजातियाँ देखी गई हैं बर्ड्स की एवियन उड़ने वाले जो है बर्ड्स की दोस्तों जो है नई प्रजातियाँ देखी गई हैं ओके बर्ड e ऐप पर भी दोस्तों इनको जो है दर्ज किया गया है ठीक है ई बर्ड ऐप पर तो दोस्तों ये वाटर बर्ड जो सेंसस हुआ है ये कहां पर हुआ है यूएनडीपी के साथ मिलकर के हुआ है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के हुआ है दोस्तों जो है ये चुमाथंग के आसपास हुआ है पुगा के आसपास हुआ है ठीक है क्लियर है सोकर झील जो है यहाँ पे दोस्तों वहां हुआ है शे फे विलेज में हुआ है इंडस नदी के किनारों पर हुआ है जहां पे नई स्पीसीज है दोस्तों पाई गई है ठीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों अभी लद्दाख में, में दोस्तों चांगथोंग एक जगह है वहां पर दोस्तों उस जगह को क्या चुना गया है उस जगह को क्या चुना गया है दोस्तों बताइएगा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल जो सिस्टम इन कंपनी है दोस्तों इसने जो है सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स दोस्तों जो है इंडिया में किस क्षेत्र में शुरू किए हैं एक महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं भारत के किस क्षेत्र में शुरू की हैं अमेरिका की इस कंपनी ने तो दोस्तों सेमीकंडक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ड्रोन में तो दोस्तों ये सब तीनों जो है भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है यहां अमेरिका की ये कंपनी दोस्तों जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट ला रही है तो इससे इंडिया को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया तो भारत फोर्ज कंपनी के साथ इसका टाइप हुआ है इसके लिए ठीक है बात समझ में आ रही है तो एरो स्ट्रक्चर निर्माण के लिए जो है दोस्तों भारत फोर्ज कंपनी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दोस्तों इलेवन फोर ए आई के साथ साझेदारी की गई है ठीक है तो दोस्तों यहां पे एक नाम भी आप लोग याद रखिएगा आई सीई टी आई का नाम याद रखिएगा ठीक है इंडिया यूएस इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्योंकि भारत और अमेरिका ने एक दूसरे को एकदम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनर बताया है महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बताया है दोस्तों फॉर्मर इंडियन खिलाड़ी दोस्तों परिमल डे जी जिन्हें जंगला दा के नाम से जाना जाता था इनका निधन हो गया दोस्तों तो दोस्तों इनका निधन हो गया तो ये किससे रिलेटेड है फुटबॉल से दोस्तों ऐसे ही अब्दुल गफ्फार जी का निधन हुआ था आपके एग्जाम में आ गया था अब्दुल गफ्फार जी का जो है निधन हुआ था दोस्तों तो आपके एग्जाम में आ गया था ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है वेरी गुड मेरा जो है सेशन पीछे हो जा रहा है मुझे बार बार लाइव बटन पे दबाना पड़ रहा है अच्छा आपके जो है जब आप पीछे हो जाओ वीडियो पे एक लाइव बटन होता है जब आपके जहां टाइमिंग वाइमिंग दिखती है या पॉज का बट ऑप्शन आता है वहीं पे एक लाइव बटन लिखा होता है लाइव वाले पे दबाओगे तो अब दब एकदम अपडेटेड हो जाओगे सेशन में ठीक है तो दोस्तों जो है ये जो है फुटबॉलर थे दोस्तों परिमल डे साहब इनका निधन हो गया ठीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों द लास्ट हीरो फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम इस बुक के लेखक कौन है द लास्ट हीरो फुट सोल्जर ऑफ द इंडियन फ्रीडम इस बुक के लेखक है दोस्तों पी साईनाथ कौन है पी साईनाथ ओके क्लियर चलिए बहुत बढ़िया शानदार ये लास्ट हीरोज बुक भी दोस्तों शायद किसी एग्जाम में आई थी दोस्तों उस व्हाट्सएप चैट का नाम बताइए जिसने हाल ही में दिल्ली में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है यानी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती है दोस्तों और बाल अधिकार पैनल के बीच में टू वे कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए डेवलप किया है व्हाट्सएप चैट तो ये व्हाट्सएप चैट का नाम क्या है दोस्तों बाल मित्र है। दोस्तों बच्चों से जुड़ी हुई एक हेल्पलाइन नंबर भी है इस नंबर में यूनिक क्या है बताओ इस नंबर में क्या यूनिक है बताओ रीजनिंग का क्वेश्चन में जल्दी पूछ ले रहा हूं तुम लोगों से तो दोस्तों जो है बाल मित्र कैन एक्सेस बाय व्हाट्सएप मैसेज व्हाट्सएप मैसेज क्या है दोस्तों व्हाट्सएप आपको मैसेज किस पर करना होगा हेल्पलाइन नंबर नाइन थ्री डबल वन डबल फाइव वन थ्री नाइन थ्री ठीक है तो दोस्तों इसे बच्चे माता पिता नागरिक अधिक तेजी से इसको यूज कर सकते हैं एक सा जो है दोस्तों जो है मैसेज भेज करके इसका यूज किया जा सकता है दोस्तों किस राज्य सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि की महिलाओं से दोस्तों जो है एक हजार रुपए प्रतिमा प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है लाडली बहना योजना दोस्तों एक हजार रुपए बच्चियों को दिया जाएगा सभी वर्ग की बच्चियों को दिया जाएगा एक हजार रुपए एमपी के जो है लड़कियां खुश हो जाइए एम की लड़कियां खुश हो जाइए एक एक हजार रुपये मिलेगा आप लोगों को ठीक है तो दोस्तों जो है साठ हजार करोड़ रुपए अगले पांच साल में शिवराज सिंह चौहान खर्च करेंगे लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर ही दोस्तों ये लाडली बहना योजना जो है शुरू की गई सभी वर्ग के जो है गरीब महिलाओं को मिलेगा बारह हजार रुपये दोस्तों सालाना दिया जाएगा मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के तट पर यह कार्यक्रम किया गया दोस्तों ये नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या है नर्मदा पुरम का पुराना नाम क्या है यह आपको बताना है एक नर्मदा कॉरिडोर भी बनाया जाएगा दोस्तों नर्मदा का जो एक एक पत्थर होता है वो शिवलिंग के आकार का होता है ज्यादातर शिवलिंग जो है दोस्तों वो नर्मदा के ही पत्थरों से को रख करके दोस्तों स्थापित किया जाता है है ना दोस्तों जनवरी 2023 में एशिया के पहले तैरते उत्सव गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय शहर में हुआ इन विच इंडियन सिटी द गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल वॉज इन जनवरी टू तो दोस्तों जो है इसे जो है मंदसौर में ही एमपी में ही दोस्तों जो है इसका उद्घाटन किया गया है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का कहां पे मंदसौर एमपी में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है पर्यटकों के लिए टेंट सिटी लगाई गई है अभी दोस्तों वाराणसी में भी टेंट सिटी लगाई गई थी आपको अगर याद हो तो है ना दोस्तों डी World वर्ल्ड ने दोस्तों जो है दीनदयाल पोर्ट पर एक मेगा कंटेनर टर्मिनल के दोस्तों एम के लिए यानी कि दोस्तों डेवलप करने के लिए ऑपरेट करने के लिए मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है तो DP पी वर्ल्ड कहाँ पर दोस्तों जो है इसे करेगा गुजरात में दोस्तों दीनदयाल पोर्ट जो है ये दोस्तों गुजरात के कहाँ पर है कांडला में है और कांडला क्या है दोस्तों भारत का फर्स्ट इंडिया फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अभी आजकल एक जो है दोस्तों आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी तो दोस्तों लेकिन भारत का जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है स्ट्रेटिक जी के ये पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हुआ करता था अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो यहाँ पे के जो बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा गया था ये भी ये यहाँ से बहुत सारे स्टेटिक जी के हमें मिल गए बहुत सारे स्ट्रेटेजी के गए भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला भारत का पहला आ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कांडला दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर है कांडला कांडला कहाँ पे है गुजरात ठीक है तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है सरकारी काम है प्राइवेट कंपनी से कराया जा रहा है बिड के आधार पर तो दोस्तों जो है इसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं ठीक है सरकारी बंदरगाह है उसे प्राइवेट कंपनी उसका मेंटेनेंस करेगी अडानी जी ऐसे ही अमीर बने दोस्तों महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है दोस्तों अपनी पेरेंट कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऑफिशियली मर्ज हो रहा है दोस्तों महिंद्रा ग्रुप के सीईओ कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है सीएमडी कौन है तो दोस्तों ये है अनिश शाह जी कौन है अनिस शाह जी दोस्तों अभी महिंद्रा बहुत सारे वजहों से चर्चा में रही है आनंद महिंद्रा दोस्तों अभी रेलवे आरबीआई के बोर्ड में शामिल हुए थे दोस्तों अभी अगर देखा जाए तो आ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को दोस्तों आ, थर्ड पार्टी से लोन की रिकवरी कराने के लिए मना किया गया था अभी टेक महिंद्रा से भी एक न्यूज आई थी तो महिंद्रा दोस्तों बहुत सारी वजहों से न्यूज में थे महिंद्रा आपके एग्जाम में भी आए थे कि जो है रिकवरी एजेंटो से प, गलत तरीके से रिकवरी कराने के लिए किस कंपनी को पेनालाइज किया गया था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था तो महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दोस्तों जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो है विलय हो गया दोस्तों ठीक है क्लियर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने चैट जीपीटी द्वारा संचालित एक प्रीमियर टीम्स मैसेजिंग पेशकश की घोषणा की है चैट जीपीटी में टी का क्या अर्थ है चैट जीपीटी में दोस्तों टी का क्या अर्थ है ट्रांसफॉर्मर क्या अर्थ है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर ओके okay? चैट जीपीटी बहुत ज्यादा चर्चा में है दोस्तों चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर ठीक है दोस्तों चैट जीपीटी नवंबर में ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया एक चैट बोट है ठीक है दोस्तों फरवरी में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर दोस्तों जो है रशिया बन गया रशिया ठीक है रशिया से हम दोस्तों डेली जो है 1.27 से 1.42 मिलियन बैरल जो है दोस्तों आ, क्रूड ऑयल खरीदते कच्चा तेल खरीदते एक बैरल में दोस्तों कितने लीटर होते हैं बताइए एक बैरल में कितने लीटर होते हैं पर डे दोस्तों क्रूड का मतलब कच्चा तेल फिर रिफाइनरी रिफाइन किया जाता है तो दोस्तों इंडिया जो है दोस्तों रशिया से जनवरी में जो है 28 परसेंट ऑयल जो है रशिया से ली है दोस्तों हाईएस्ट एवर और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा था कि भारत रशिया से कितने परसेंट तेल खरीदता है यानी खरीदा है लेटेस्ट उस समय शायद चौबीस पच्चीस था अब दोस्तों अट्ठाईस हो गया है। तो ये क्वेश्चन तो अभी इसी महीने आपके एग्जाम में इस महीने क्या अब तो पिछला महीना हो गया जनवरी में आपके एग्जाम में पूछा गया था जनवरी लास्ट में यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वर्तमान हेड कौन है दोस्तों यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो यूटीआई एएमसी के दोस्तों हेड कौन है नरसिम्हन ससादरी नरसिम्हन यूटीआई दोस्तों भारत में म्यूचुअल फंड लाने वाली पहली कंपनी है ठीक है पहली कंपनी है यूटीआई पी एन बी बैंक ऑफ बड़ौदा और अमेरिका की जो है टी रो प्राइस ये दोस्तों यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्पॉन्सर हैं ठीक है यूटीआई ने ही दोस्तों एक बैंक शुरू किया था यूटीआई बैंक जिसका बाद में नाम एक्सिस बैंक हो गया था तो एक्सिस बैंक की पेरेंट कंपनी यूटीआई ही है दोस्तों विच कंट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन रिसेंटली साइंड एन एमओ यू विद दी आई आई टू कोलेबरेट एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम तो सी आई आई के साथ टाइप दोस्तों किसने किया है ऑस्ट्रेलिया ने किया है दोस्तों सी आई आई के साथ जो है दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए दोस्तों एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ टाइप किया है सी आई आई के हेड कौन है फटाफट बताइए दोस्तों सी आई आई के हेड कौन है फटाफट बताइएगा दोस्तों भारत के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कला सलाहकार और अमेरिका के जो है एन दोस्तों जेक सुलिवन ने I.C.E.T. मैंने क्या कहा था I.C.E.T. नाम ध्यान रखिएगा अभी एक क्वेश्चन में बोला था अमेरिका इंडिया के बीच में दोस्तों एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी का फुल फॉर्म आ सकता है जैसे अभी एकटा एग्रीमेंट हुआ दोस्तों एकटा एग्रीमेंट जो है अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है तो आई का भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है वॉशिंगटन डीसी में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीटिंग कर रहे हैं तो रक्षा से रिलेटेड ही बात होगी दोस्तों तो हमारे देश के एनएसए कौन है अजीत डोभाल है डिप्टी एन कौन है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो पंकज सिंह है जो पहले बी के हेड हुआ करते थे ठीक है बात समझ में आ रही है तो यहां पे एक दूसरे को इन लोगों ने क्या बताया ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर विश्वास योग्य टेक्नोलॉजी पार्टनर ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर यहां पे कहा गया ठीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों उस एक्सरसाइज का नाम बताइए जो हाल ही में भारतीय सेना भारतीय वायुसेना और सी द्वारा उत्तर बंगाल में आयोजित किया गया नेम द एक्सरसाइज दैट रिसेंटली कंडक्टेड इंडियन आर्मी एयर फोर्स एंड द सेंट्रल देंट्रल्ड पुलिस फोर्स अर्ध सैनिक बल नॉर्थ बंगाल में दोस्तों ये एक्सरसाइज का नाम है त्रिशक्ति प्रहार तीनों शक्तियों की अपनी जो है दोस्तों जो है इन लोगों ने जो है एक एक्सरसाइज किया क्योंकि नेवी तो बहुत कम युद्ध में आएगी जब इधर युद्ध होंगे तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स भारत की जो अर्धसैनिक बल है आई एसएसबी बीएसएफ बी और दोस्तों इंडियन आर्मी इन्हीं लोगों का मेन बोलबाला रहेगा है ना इन्हीं तीनों लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना होगा ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों जो है यहां पे जो है ये प्रैक्टिस की गई है है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर दोस्तों स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे चिकन नेक कहा जाता है जैसे भारत के नक्शे में देखोगे जब ईस्ट के एरिया में तो एक ऐसा जो है एकदम पतला सा फिर बनता है फिर जो है भारत का नक्शा जो है ऐसे होता है तो ये जो एरिया है चिकन नेक अगर यहां पे किसी ने अटैक किया तो ये नॉर्थ ईस्ट से भारत कट जाएगा नॉर्थ ईस्ट से भारत कट जाएगा इसलिए उसे चिकन नेक कहा जाता है जो सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है बात समझ में आ रही तो दोस्तों नॉर्थ बंगाल में छह डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी बिहार, दिनाजपुर ये सब दोस्तों मालदा ये सब ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों उस डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी लड़ाकू तत्परता का परीक्षण करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना वार्षिक मेगा एक्सरसाइज पूर्वी आकाश शुरू किया है तो दोस्तों एक्सरसाइज पूर्वी आकाश किसने शुरू किया है इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों पूर्वी आकाश यानी कि दोस्तों चाइना की तरफ इस समय हलचल हो गई है सेना की बहुत ज़्यादा एयरफोर्स अलग कर रहा है त्रिशक्ति पहाड़ प्रहार अलग हो रहा है यानी चाइना पे अपना पूरा फोकस है पाकिस्तान को तो हम लोग ने कटोरा पकड़ा दिया है तो दोस्तों अब जो है चाइना से सीधी लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं पाकिस्तान कहा गया तुम शांत रहो हमें चाइना से लड़ने दो दोस्तों स्पेन में 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में किस देश को थीम कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया विच कंट्री द थीम कंट्री एट द 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन स्पेन तो दोस्तों इसमें इंडिया को अपॉइंट किया गया थीम कंट्री कौन है दोस्तों स्पेन में मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड बुक फेयर में दोस्तों तो थीम कंट्री है इंडिया दोस्तों अभी जो है पेरिस बुक फेस्टिवल में भी इंडिया ही गेस्ट ऑफ कंट्री थी दोस्तों गेस्ट ऑफ ऑनर थी ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है याद रहेगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग ठीक है क्लियर है चलिए तो दोस्तों यह घोषणा लेक वेस्ट बंगाल में इंटरनेशनल कोलकाता फेयर के समय दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया ठीक है दोस्तों किस बैंक को हाल ही में एल आर एस लिबरलाइज रिमिटेंस सिस्टम के तहत किए गए लेन देन में आर बी आई से आंशिक रूप से प्रतिबंध प्राप्त हुआ है रिस्ट्रिक्शन दोस्तों प्राप्त हुआ है लिबरलाइज रिमिटेंस सिस्टम रिमिटेंस स्कीम को दोस्तों हमने जो है लिबरलाइज किया है रिमिटेंस में हम दुनिया में नंबर वन पे रिमिटेंस किसे कहते हैं दोस्तों हम लोग को जब विदे हमारे इंडियन लोग जो बाहर रहते हैं इंडिया में अपने परिवार को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो डॉलर आता है दोस्तों भारत में क्योंकि वो तो डॉलर में पैसे भेजेंगे तो दोस्तों विदेशी मुद्रा में भेजेंगे तो उससे भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो ये इसमें हम दुनिया में नंबर वन पे हैं तो एस बैंक ने दोस्तों जो है इसके ऊपर एक रिलैक्सड पार्सली रिलैक्सड रिस्ट्रिक्शन लगाया है एस बैंक इंडिया पर आर बी दोस्तों फेमा एक्ट 1999 के तहत जो है तो विदेशी मुद्रा का कस्टोडियन होता है प्रबंधक भी होता है तो दोस्तों यहां पे क्या गया है रिलैक्स किया गया क्या किया गया है पार्सली रिलैक्स किया गया है क्या किया गया, गया, गया रिस्ट्रिक्शन में क्या चीज थोड़ी जो है इनको क्या थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है इनको एटीएम पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन ये सब दोस्तों के लिए अनुमति दी गई है ठीक है KYC debit card Holders के लिए, जो KYC वाले जो डेबिट कार्ड होल्डर हैं जो उनके उनके जो है दोस्तों जो है उनके माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल लेन देन हो सकता है ए टी एम लेन देन हो सकता है ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले इस इस सभी लेन देन को बंद करने का आदेश दिया था दोस्तों आर ने एस बैंक इंडिया को लेकिन अभी थोड़ा सा इनको जो है रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी सी ढील दी है कि ठीक है एटीएम यूज का और पीओएस ओ लेन देन और रिमिटेंस लेन देन ये सब जो है थोड़ा सा ढील दे रहे हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शन बाकी लगी रहेगी ठीक है रिस्ट्रिक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थर्टी फाइव ए थर्टी सिक्स वन ए के तहत लगाई गई है ठीक है दोस्तों नेम द पर्सनालिटी वो हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ श्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड तो दोस्तों सलाहकार समिति के हेड कौन बने सदस्य कौन बने हैं दोस्तों ये वी रामचंद्र बने है. कौन बने हैं वी रामचंद्र बने हैं ठीक है, है थीके? तीन मेंबर की एडवाइजरी कमिटी यहाँ पर बनाई गई है ठीक है बात समझ में आ रही है सुंदरम फाइनेंस के ट्यूटी श्री राम राघवन भी हैं, वी रामचंद्र कैनरा बैंक के भी हैं वी आ, एन चलसानी जो है एसबीआई के हैं ये भी हैं ठीक है क्लियर है दोस्तों डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में हमारी जो जो ग्रोथ है वो ट्वेंटी फोर पॉइंट वन थ्री परसेंट की है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स दोस्तों हमारा जो आया है इस बार का हाफ का यानी सितंबर में जो छमाही खत्म हुई है इसकी जो रिपोर्ट आई है दोस्तों जो जो है है वो आई है, जो मार्च वाली छमाही से वाले से ज़्यादा है 24.13 परसेंट इसका बेस ईयर जो है दोस्तों वो 2018 है तो उससे जो है कंपेयर किया जाता है तो यहां पे किससे कंपेयर किया जाता है बेस ईयर को 100 मान के दोस्तों कंपेयर किया, किया जाता है जैसे सेंसेक्स जो है दोस्तों उसका बेस ईयर क्या है उसका बेस ईयर है दोस्तों क्या कहते हैं सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन जैसे कि दोस्तों सीपीआई का जो बेस ईयर है वो है दो हजार ग्यारह बारह ठीक है ओके और अगर केवल एक साल दिया जाए तो क्या होगा दो हजार बारह है ना दोस्तों हाल ही में किस कंपनी ने बैंक्स एंड एन, एन के लिए इंडस्ट्री का पहला एसेट एम कलेक्ट रिपोजिशन पोजिशन मॉड्यूल लॉन्च किया है एसेट एम कलेक्ट रिपोजिशन मॉड्यूल लॉन्च किया है दोस्तों ये जो है दोस्तों मोबी क्यूल टेक्नोलॉजी ने दोस्तों लॉन्च किया मोबी क्यूल टेक्नोलॉजी ने दोस्तों लॉन्च किया ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट स्टैब्लिस्ट जो लैब है दोस्तों उसने जो है अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना जो है स्पेस रडार के लिए लॉन्च किया गया द एल आर डी ई इज द लेबोरेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन तो दोस्तों ये जो एल आर डी ई है ना ये दोस्तों जो है किस ऑर्गेनाइजेशन की लेबोरेटरी है तो दोस्तों ये जो है डी आर डी ओ की लेबोरेटरी है डी आर डी ओ के हेड है समीर वी कामत और दोस्तों डी आर फर्स्ट जनवरी 1958 में आई थी है ना ओके okay, क्लियर है तो डी की बेंगलोर वाले लैब में दोस्तों इसको जो है डेवलप किया गया है जबकि डी का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एल जो है दोस्तों इसे जो है कहाँ पर डेवलप किया गया बेंगलोर में ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर लेकिन अभी रुकिए अभी नहीं अभी तो कल वाले जो बच गए थे वो करने हैं कल वाले जो बच गए थे वो करने हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कल में हम मैंने आधे में छोड़ दिया था करीब सोलह के करीब करंट अफेयर्स मैंने कराए थे उसके बाद आगे आधे छूट गए थे दोस्तों एक और दो फरवरी को कौन सा राज्य शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है यानी कि दोस्तों जो है एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की जो है मीटिंग जो है दोस्तों वो कहां पर हुई है तो दोस्तों जो है ये कहां पर हुई है आपकी तमिलनाडु में कहां पर हुई है मेरे भाई तमिलनाडु में हुई है ठीक है बात समझ में आ रही है तमिलनाडु में हुई है ओके दोस्तों भारत के अध्यक्षता में जी ट्वेंटी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां हुई है तो दोस्तों ये जो है पाँच से सात फरवरी तक ये बेंगलोर में होगी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे होगी दोस्तों ये बेंगलोर में होगी ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है तो इसमें दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी संस्थाएं यू संस्थाएं वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जैसी संस्थाएँ दोस्तों इसमें भाग लेंगी बेंगलोर में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है दोस्तों चाहे सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स वाली मीटिंग भी है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना एक तीसवा स्थापना दिवस मनाया उस पर द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों जो है इसे एड्रेस किया तो राष्ट्रीय महिला आयोग या नेशनल कमीशन फॉर ऑफ वीमेन जो है दोस्तों कब फाउंड हुई थी किस दिन इसका स्थापना दिवस मनाते हैं तो इसकी स्थापना दिवस दोस्तों थर्टी फर्स्ट जैन को मनाते हैं थर्टी फर्स्ट जैन को दोस्तों इसका स्थापना दिवस मनाते हैं इस प्रोग्राम की जो थीम थी वो थी दोस्तों सशक्त नारी सशक्त भारत सशक्त नारी सशक्त भारत दोस्तों उन्नीस में दोस्तों इसकी जो है स्थापना की गई थी ठीक है उन्नीस yes. में इसकी स्थापना की गई थी yes. दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वन साइट एसिलोरेट एसिलोर लेक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में विजन स्कूल विजन फॉर क्या लिखा यार विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम मैं हिंदी में इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो मुझे दिक्कत हो रही है ऊपर पढ़ लेते हैं विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम दोस्तों लॉन्च किया है तो यहां पे दोस्तों गोवा सरकार ने लॉन्च किया ठीक है प्रसाद नेत्रालय के साथ विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गोवा के जो है मुख्यमंत्री दोस्तों जो है कौन है प्रमोद सावंत जी हैं ठीक है और पी एस श्रीधरन पिल्लई जी यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों किस राज्य के कैबिनेट ने बीस हजार किसानों को शामिल करते हुए देश हज सौ करोड़ रुपए के के शुरुआती निवेश साथ दोस्तों राष्ट्र पुष्प कृषि मिशन को राज्य पुष्प कृषि मिशन को मंजूरी देख रहे हो एक दिन का करंट अफेयर छूटता है तो कितना बड़ा बर्डन आ जाता है तुम लोग कई कई दिन करंट अफेयर नहीं पढ़ते सोचो तुम्हारे ऊपर कितना बर्डन होता है लेकिन तुम उसको समझते नहीं हो और फिर एग्जाम में नंबर कम आते हैं तब भी तुम नहीं समझते हो क्योंकि तुम इतना एनालाइज ही नहीं कर पाते तुम तो यही कैप्सुल से नहीं आया अरे तुम नहीं पढ़े कैप्सुल को कब तक दोष दोगे कब तक नाच नहीं आने पे आंगन को दोष दोगे कि नाच न जाने आंगन तेढ़ा कब तक दोष दोस्ट दोगे दोस्तों उन जो है शॉर्टकट्स को वो सब रिवीजन के लिए होते हैं आज समझो केवल कल के करंट अफेयर नहीं पढ़े तो आज कितना बर्डन आ गया असम में दोस्तों राज्य पुष्प कृषि मिशन को मंजूरी दी है असम राज्य सरकार ने दोस्तों राज्य पुष्प कृषि मिशन को मंजूरी दी है बीस हजार किसानों को कवर करते हुए डेढ़ सौ करोड़ के शुरुआती निवेश के साथ तो डिब्रूगढ़ में एक अलग मुख्यमंत्री सचिवालय बनाया जाएगा डिब्रूगढ़ में तेजपुर में एक नया राजभवन बनाया जाएगा ऐसे बहुत सारे दोस्तों जो है यहाँ पे राष्ट्रीय फ्लोर राज्य फ्लोरीकल्चर मिशन फूलों की खेती दोस्तों यहाँ पे शुरू की जाएगी बहुत सारी चीज दो दोस्तों जो है यहाँ पे बब बोला गया है चौदह अप्रैल को एक तैयारी की जाएगी कार्यक्रम जो बिहू जो है यहाँ का दोस्तों जो है उसमें नेशनल रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा बिहू यहाँ का दोस्तों जो है एक त्यौहार भी है एक लोक नृत्य भी है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई जाएगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी पढ़ाई पढ़ी जाएगी दोस्तों ठीक है क्लियर है तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है ये विशाखापट्टनम बनेगी बहुत सारी अमरावती गुंटूर विशाखापट्टनम तीन तीन राजधानी लोग बना दिए थे ठीक है तो दोस्तों दो में जब जो है यहाँ से दोस्तों तेलंगाना अलग हो गया तो हैदराबाद यहाँ चला गया दो जून दो को तब से जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी ही बनाते जा रहा है बार, बार 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 राजधानी बदलते जा रहे हैं है ना क्लियर है तो हाई कोर्ट तो इन्होंने अमरावती में बनाया है तो जस्टिस कैपिटल तो अमरावती ही रहेगा आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट है वो कितनी बोली गई दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के हिसाब से इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका पहली चाइना दूसरी जापान तीसरी जर्मनी चौथी पांचवी इंडिया छठवी यूके ये सब दोस्तों जो है कहीं ना कहीं क्लियर है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है 2023 में 6.1, 2024 में 6.8। यानी 2023 में 6.8 एंड 2024 में 6.8। ओके वेरी गुड तो दोस्तों जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2.9 परसेंट बोली गई है और 2024 में 3.1 बोली गई ग्लोबल ग्रोथ ठीक है एशिया की जो वृद्धि है विकासशील एशिया में दोस्तों जो है यहां पे 2024 में 5.2 और 2023 में 5.3 बोली गई है दोस्तों गुजरात की जो मरीन क्लस्टर है समुद्री क्लस्टर है इसके सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है इसके सीईओ के रूप में माधवेंद्र सिंह को अपॉइंट किया गया है माधवेंद्र सिंह को दोस्तों जो है अपॉइंट किया गया ठीक है क्लियर है तो गुजरात मैरिटाइम क्लस्टर का पहला पहला सीईओ बने हैं ये ठीक है ये देश में अपनी तरह का पहला कॉमर्शियल मैरिटाइम क्लस्टर है यह भारत का पहला और एकमात्र समुद्री क्लस्टर है ठीक है गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में दोस्तों जो है, इसे जो है 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 किया जा रहा है। दोस्तों कंपनी प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसिडर कौन बन गई है तो नई ब्रांड एम्बेडर दोस्तों जो है वो बन गई है हरमनप्रीत कौर और एक न्यूज में तुमको एडवांस में बता देता हूं मुथुत फाइनेंस की जो ब्रांड एम्बेसिडर माधुरी दीक्षित बन गई है एक दो दिन तीन दिन बाद तुम न्यूज में देखोगे है ना ठीक है दोस्तों मुरली विजय ने हाल ही में सन्यास की घोषणा की है वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे तो मुरली विजय दी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित थे इन इन्होंने दोस्तों जो है रिटायरमेंट ले लिया है ठीक है टेस्ट के बहुत अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी थे दोस्तों ठीक है दोस्तों कौन सा गेंदबाज टी ट्वेंटी क्रिकेट इतिहास में टी टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया विच बॉलर हैज बिकम द हाइस्ट विकेट टेकर ऑफ टीम इंडिया इन टी ट्वेंटी क्रिकेट हिस्ट्री तो दोस्तों जो है यहां पे यजुवेंद्र चहल ने टी ट्वेंटी में सबसे ज्यादा दोस्तों जो है विकेट लिया है ठीक है क्लियर है हाइएस्ट विकेट टेकर टी ट्वेंटी हिस्ट्री में यजुवेंद्र चहल है नाइंटी वन विकेट भुवनेश्वर कुमार है नाइन्टी विकेट आर अश्विन है सेवेंटी टू विकेट यानी भुवनेश्वर कुमार और चहल जो है दोस्तों इन में कंपटीशन चल रहा है भुवनेश्वर कुमार दोस्तों जो है आपके फास्ट बॉलर है तो दोनों लोग का एक अलग ही कंपटीशन है ठीक है बात समझ में आ रही है ओके okay. दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड डे एक फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों इसका कौन सा एडिशन मनाया गया तो दोस्तों फोर्टी इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड है वीरेंद्र सिंह पठानिया वयम रक्षाम दोस्तों जो है इसकी जो है दोस्तों आदर्श वाक्य है और 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड जो है दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ने दोस्तों अभी पदमा नाम से एक जो है पेरो वो ऑटोमेशन पेरोल जो है डेली अलायंसेस का दोस्तों शुरू किया था इंडियन कोस्ट गार्ड को ही दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ध्रुव हेलीकॉप्टर भी दिया था दोस्तों केवी तिरुमलेश का हाल ही में बयासी साल की आयु में निधन हो गया है दोस्तों वह क्या थे तो वह एक लेखक थे क्या थे दोस्तों वह एक लेखक थे तिरुमलेश ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों अभी जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आयशे की रिपोर्ट आई है दोस्तों आयशे की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में पिछले सर्वे की तुलना में जो 2019-20 में दोस्तों जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट हुए हैं वो दोस्तों जो है उनकी प्रवृत्ति क्या है तो वो बढ़ी है इनरोलमेंट दोस्तों बढ़े हैं 2019-20 की रिपोर्ट आई है तो दोस्तों जो है ये जो है 2021 तक की जो रिपोर्ट है दोस्तों इसमें जो है इन्होंने बोला है कि बढ़ करके 2019-20 से जो है 19-2021 में माफ कीजिएगा 2021 की रिपोर्ट आई है ये 4.414 करोड़ हो गई है तो दोस्तों ये बढ़ी है ओके क्लियर है महिला नामांकन भी बढ़ा है जो महिलाओं की जो हायर एजुकेशन लेने की संख्या है वो भी बढ़ी है 2.01 करोड़ हो गई है दोस्तों ठीक है ओके और अगर देखिए सकल नामांकन अनुपात देखा जाए तो 25.6 से बढ़कर 27.3 हो गई है ओके सकल नामांकन अनुपात को जो है हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ठीक है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आयसे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है तो आईशी रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है कौन से ईयर की रही है दो हजार की रही है ठीक है तो याद रखिएगा 2023 चल रहा है 2021-22 भी बोला जा सकता है 2022-23 भी बोला जा सकता है लेकिन 2020-21 की रिपोर्ट आई है दोस्तों आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य ने केंद्र से सबसे ज्यादा जीएसटी मुआवजा लिया है दोस्तों जीएसटी कंपनसेशन किसने सबसे ज्यादा लिया है तो दोस्तों ये महाराष्ट्र ने लिया जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है दोस्तों महाराष्ट्र को तो पहले जितना जो है जीएसटी आने के पहले टैक्स मिलता था अगर उससे कम टैक्स किसी राज्य को मिलता है तो केंद्र सरकार उसको कंपनसेशन देती है केंद्र सरकार को उसको कंपनसेशन देना पड़ता है ये पांच साल तक दोस्तों देना पड़ता है ठीक है जीएसटी आई थी तो यही बात बोली गई थी कि हम जो है आप लोगों को क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल वाले जो स्टेट्स हैं उन लोगों ने जीएसटी का विरोध किया था कि जीएसटी आने से हमारा नुकसान होगा तो दोस्तों जो है यहां पर जुलाई 2017 से लेकर जून 2022 तक पांच साल के लिए दोस्तों जो है जीएसटी कंपनसेशन देने की बात दोस्तों भारत सरकार ने कही थी तो दोस्तों महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मिला फिर कर्नाटक को मिला फिर गुजरात को मिला फिर तमिलनाडु को मिला ये सब इंडस्ट्रियल स्टेट है ये सब दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पहले ज्यादा अब जीएसटी आने से फायदा किसको हो रहा है इन लोग को तो नुकसान हो रहा है जहां की आबादी ज्यादा है उसको फायदा हो रहा है जीएसटी को इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि डिस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है उस राज्य सरकार को जीएसटी पहले पहले इंडस्ट्री जहां थी उनको मिलता था अब उस स्टेट को जीएसटी ज्यादा मिलता है जहां के लोग हैं जिसने कंज्यूमर ही तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है तो कंज्यूमर जहां का है तो यूपी को फायदा हो रहा है यूपी में आबादी ज्यादा है यूपी बिहार बंगाल को फायदा हो रहा है पहले यही यूपी बिहार बंगाल के लोग ये ये गुजरात कर्नाटक और महाराष्ट्र जाते थे और दोस्तों ये लोग नाक मुंह बनाते थे कि ये यूपी वाला आ गया मार के भगाओ इसको बिहार वाला आ गया अब न्याय नहीं होता था क्योंकि अब भाई यूपी के पास आबादी है तो आप इंडस्ट्री देश का पैसा ले रहे हो तो कहाँ जाएगा यूपी बिहार का आदमी तुम्हारे पास तो जाएगा भारत ही तो है हमारे ही पैसे से तो तुम चल रहे हो अब जीएसटी ने सब पलट दिया है अब जीएसटी कह रहा है कि भाई कंज्यूमर टैक्स दे रहा है यूपी का बंदा टैक्स दे रहा है महाराष्ट्र की ग्रोथ कर रहे हो तुम तो अब यूपी का बंदा टैक्स दे रहा है तो उसका जीएसटी फिफ्टी परसेंट किसको मिलेगा सी जीएसटी फिफ्टी परसेंट और एस जीएसटी फिफ्टी परसेंट तो अगर यूपी के कंज्यूमर ने जीएसटी दिया है तो ये फिफ्टी परसेंट किसके पास आएगा यूपी के पास आएगा इसीलिए इन लोगों को अब नुकसान हो रहा है तो बहुत भागाए हो यूपी बिहार के लोगों को अब झेलो अब झेलो अब तो यूपी बिहार ज्यादा ग्रोथ करेगा क्योंकि यूपी बिहार को अब ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा तो भाई उसका भाई यूपी बिहार को अब ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा तो यूपी बिहार ज्यादा डेवलप होंगे ही आज नहीं बीस साल बाद देखोगे कि उसका असर पड़ेगा क्योंकि अभी पांच साल तो तुमने केंद्र सरकार से कंपनसेशन ले लिया अब खत्म खेल खत्म जुलाई 2017 से जून 2022 तक का वादा था खेल खत्म हो गया पांच साल खत्म हो गया तो दोस्तों इसलिए जो है कभी भी अपने आप को बहुत जो है अमीर नहीं समझना चाहिए अमीरी में लोग जो है ना अहंकार में आ जाते हैं लेकिन दोस्तों जिंदगी है भगवान है कब पीछे मुड़ बोल देगा पता नहीं चलेगा कब बोल देगा पीछे मुड़ और अगली पंक्ति का आदमी पिछली पंक्ति में दिखाई देगा कोरोना के समय में देखे हो लोगों की जिंदगी कैसे पलट गई तो इसलिए दोस्तों कभी भी भगवान से बढ़ कोई नहीं है अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए और ये महाराष्ट्र के लोग अपने आप को भगवान समझने लगे थे यूपी बिहार वालों को मार के भगाने लगे थे दोस्तों सोलिगाटा जिसका नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर रखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है किस प्रजाति से संबंधित है दोस्तों और जो है दोस्तों ये जो है वास्प से संबंधित है ठीक है क्लियर है दोस्तों इसमें महाराष्ट्र के लोगों को नहीं गलती दी जाएगी वहां पे जो ये मनसे और शिवसेना टाइप की जो पार्टियां हैं ये ज्यादा जो है दोस्तों राजनीति गंदी कर देती है लोगों की मानसिकता को दोस्तों ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए आयोग के हेड कौन है दोस्तों ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के कमीशन के जो है दोस्तों हेड कौन है तो दोस्तों ये जस्टिस जी रोहिणी है ये जस्टिस जी रोहिणी है ठीक है क्लियर है याद रहेगी चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों रिलीज द ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन सी संस्था ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम प्रगति रिपोर्ट जारी करती है कौन सी दोस्तों जो है ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम जो है जारी करती है ठीक है बताइएगा दोस्तों फटाफट बताइएगा तो दोस्तों ये जो है दोस्तों एनएसओ जारी करती है किसने जारी किया है एनएसओ एनएसओ ही आपकी इन्फ्लेशन की रिपोर्ट जारी करती है जीडीपी की रिपोर्ट जारी करती है नेशनल इनकम की रिपोर्ट जारी करती है तो दोस्तों जो है एनएसओ द्वारा अपने अभी बीस सूत्री प्रोग्राम प्रगति रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं दोस्तों उसमें बोला है कि छः महीने में केवल नौ किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किया जा सका है ठीक है इस प्रदर्शन को खराब माना जा रहा है ठीक है लक्ष्यों का स्तर अगर अस्सी परसेंट से कम है ठीक है एनएसओ का पुराना नाम सी हुआ करता था दोस्तों शांति भूषण जी जिनके बेटे प्रशांत भूषण बहुत बड़े वकील भी हैं ये भी बहुत बड़े वकील थे दोस्तों ये आम आदमी पार्टी से भी ये लोग जुड़े थे अटल जी के सरकार में दोस्तों ये जो है भारत के कानून मंत्री भी थे भारत के लॉ मिनिस्टर थे दोस्तों अटल जी की सरकार में ठीक है ये संतानवे साल के थे इनका निधन हो गया दोस्तों ठीक है 1977 से 79 तक दोस्तों ये भारत के कानून मंत्री के रूप में थे मुराजी देसाई के कार्यकाल में ठीक है ये कानून मंत्री थे ठीक है बात समझ में आ रही है 1977 से 2 अप्रैल 1980 तक ये राज्यसभा सदस्य भी रहे थे ओके तो ये देख रहे हो इमरजेंसी के बाद एक सरकार बनी थी जो पहली नॉन कांग्रेसी सरकार थी पहली बार कांग्रेस हारी थी इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी हारी थी तो दोस्तों उस 77 से 79 तक जो मुरारज देसाई पहले जो है दोस्तों बने थे आपके प्रधानमंत्री नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री उस सरकार में ये लॉ मिनिस्टर थे ठीक है क्लियर है तो पहले तो ये कांग्रेस पार्टी में थे बाद में जनता पार्टी में चले आए थे मोराज देसाई भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे फिर जनता पार्टी में चले आए थे जनता पार्टी एक नई पार्टी बनाई गई थी जेपी के द्वारा जिसमें सारे भारत के विपक्षियों ने अपनी पार्टी को खत्म करके जनता पार्टी में शामिल हो गए थे ठीक है और एक नई सरकार बनाई थी और कांग्रेस को पहली बार हराया था दोस्तों अकॉर्डिंग टू द बजट बजट के अनुसार दोस्तों जो है व्हाट इज द रिवाइज एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर आईटीआर आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रसंस्करण समय क्या है तो दोस्तों जो है रिवाइज एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो आईटीआर की है वो दोस्तों 16 दिन हो गई है सोलह दिन हो गई है दोस्तों ठीक है यह बात भी बजट में कही गई है यह भी बजट में कही गई है तो दोस्तों डेज से जो है सोलह दिन हो गई है ठीक अच्छा है, है और फोर्टी परसेंट जो है आई जो है वो चौबीस घंटे के अंदर ही हैंडल कर लिए जाते हैं ठीक है दोस्तों बजट के अनुसार कितने पर्यटन स्थलों को विकास के लिए चुना गया है तो दोस्तों जो है यहां पर पचास पर्यटन स्थलों को विकास के लिए चुना गया है अमृतकाल बजट में टूरिज्म के लिए फिफ्टी डेस्टिनेशन जो है चैलेंज मोड पर चुने गए हैं दोस्तों टूरिज्म हब बनाने के लिए बात समझ में आ रही है दोस्तों ये बताओ मॉन्यूमेंट मित्र में कितने स्मारकों को चुना गया है मॉन्यूमेंट मित्र में कितने स्मारकों को चुना गया है दोस्तों ये बताइएगा आप लोग दोस्तों बजट 2023 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में कितना पैसा अलॉट किया गया दोस्तों कल के भी मैंने जो है डेली करंट अफेयर में सत्रह से सेशन में कल मैंने सेशन लिया था नौ हजार करोड़ रुपए दोस्तों क्रेडिट गारंटी स्कीम दोस्तों MSME के लिए आवंटित किए गए क्रेडिट गारंटी क्या होती है जब एमएसएमई को को कोई लोन देता है तो पीछे से दोस्तों सरकार की बैकिंग रहती है इंड, इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है बताइएगा तो दोस्तों ये जो नीति है तुम्हारी क्रेडिट गारंटी वाली वो एक अप्रैल से लागू होगी कब से फोर्स में आएगी एक करोड़ जो है दोस्तों एक अप्रैल से लागू होगी ठीक है तो कोलेट्रल फ्री लोन्स मिल जाएगा क्योंकि भाई बंधक मुक्त लोन के लिए क्रेडिट गारंटी चाहिए होती है दो लाख करोड़ की दोस्तों यहां क्रेडिट गारंटी दी जा रही है कितने की दी जा रही है दो लाख करोड़ की दोस्तों क्रेडिट गारंटी दी जा रही है ठीक है दोस्तों एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट कितना है इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए कितना पैसा दिया गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कितना दिया गया दोनों आंसर आप लोग बताइए जरा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोस्तों जो है यहां इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स से सम्मानित किया गया ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स द पुअर बुक के लेखक कौन है निम द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमीज एबेंडन द पुअर इस बुक के लेखक कौन है दोस्तों इस बुक के लेखक हैं मेघनाथ देसाई कौन है मेरे भाई मेघनाथ देसाई दोस्तों जो है इसके बुक के लेखक है ओके ठीक क्लियर है चलिए दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे जो बजट के एक दिन पहले आता है इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई गई है 6.5 परसेंट बताई गई है फिनेंशियल ईयर 24 के लिए दोस्तों बताई गई है 6 से 6.8 परसेंट रहेगी ठीक है छह से छह दशमलव आठ परसेंट सिक्स टू सिक्स पॉइंट एट परसेंट दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे पे मैंने एक तीन मिनट का वीडियो बत, बनाया था जिसमें मैंने ये सारी रिपोर्ट्स आप लोग को बताई थी ठीक है आ, मैंने बजट पे जो जो सेशन लिया उसका मैंने एक प्ले भी बना दिया आप लोगों के लिए ठीक है ओके दोस्तों आपको बताना है कि बजट में जीडीपी फोरकास्ट क्या बताई गई है यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है बजट में कितनी बताई गई है इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट अलग है बजट की अलग होती है बताइए दोस्तों किस जो है आर्मी रेजिमेंट को दोस्तों छब्बीस जनवरी को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट चुना गया है तो दोस्तों जो है यहां पे पंजाब रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट चुना गया है किस कैटेगरी में दोस्तों किस कैटेगरी में बताओ आर्म्ड वाले में आर्मी वाले में लेकिन अर्धसैनिक बलों में किसको चुना गया है तो सीआरपीएफ के कंटिजेंट मार्च को चुना गया है सी ए पी एफ मतलब अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ चुना गया सीआरपीएफ ने महिला टुकड़ी भी इस बार जो है लॉन्च करी थी बी ने दोस्तों ऊंट पे जो है महिलाओं की टुकड़ी लॉन्च करी थी दोस्तों चौहत्तरवे गणतंत्र दिवस परेड समारोह में किसने बेस्ट जो है झांकी का अवार्ड जीता है दोस्तों जो है तो दोस्तों वो किस राज्य ने जीता था बताओ जो फटाफट दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की जो है झांकी को दोस्तों यहाँ पे Uh, कहा जाए तो मिनिस्ट्रीज में अवार्ड मिला है मिनिस्ट्रीज में अवार्ड मिला है। लेकिन आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो राज्यों का पूछा है राज्यों में किसने जीता है राज्यों में किस स्टेट को मिला है ठीक है क्लियर है दोस्तों अभी अभी मैं पीडीएफ दे दूंगा तुम लोगों को सबको पीडीएफ दे दूंगा अभी मैं सारे पीडीएफ पहुंचवा भी दूंगा वादा है मेरा जेंटल प्रॉमिस है पहला काम पीडीएफ जाएगा तुम लोग को आज यूपीएससी ने दोस्तों भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है तो यूपीएससी ने दोस्तों जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में दोस्तों डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के नाम की दोस्तों जो है सिफारिश की है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों जनवरी में जीएसटी कलेक्शन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया डेढ़ लाख करोड़ से ऊपर के आंकड़े में दोस्तों एक लाख पचपन हजार पहुंच गया 2023 का ये हाईएस्ट है दोस्तों और अगर देखा जाए ऑल ओवर टाइम में तो अप्रैल 2022 में एक लाख अड़सठ हजार वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड की जो है दोस्तों जीएसटी कलेक्शन देखा गया था ये क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में आया था वो वन करोड़ थी तो उसे हम लोग राउंड ऑफ में वन मानते हैं दोस्तों वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक दोस्तों जो है ये कब मनाया जाता है तो दोस्तों जो है ये मनाया जाता है एक से सात फरवरी को यानी ये वीक कौन सा चल रहा है वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक चल रहा है ठीक है ये फरवरी का जो पहला हफ्ता होता है उसे यूनाइटेड नेशन मनाता है यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर को अपना डे मनाता है 24 अक्टूबर 1945 को आई थी न्यूयॉर्क हेड क्वार्टर है वन नाइनटी थ्री कंट्रीज मेम्बर हैं दोस्तों निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया दोस्तों वो जो है कौन सी बार पेश किया है तो दोस्तों पांचवी बार पेश किया है पांचवी बार पेश किया है दोस्तों ठीक है पांचवी बार इन्होंने पेश किया है बजट को ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए वैसे बजट मोदी सरकार में अरुण जेटली ने भी पेश किया है दोस्तों है ना और क्या नाम है पीयूष गोयल ने भी एक बार बजट पेश किया है जिस बार अरुण जेटली जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी बजट वाले साल में यानी 2019 में जो इंटरिम बजट आया था दोस्तों बजट जो है किन प्रा कितनी प्राथमिकताओं पर क्रेडिट है यानी कि दोस्तों जो है फोकस जो है कितनी प्रायोरिटीज पर कर रही है इस बार का बजट कितनी जो है दोस्तों जो है प्रायोरिटीज पर जो है फोकस कर रही है जिसे सप्तर्षि कहा जा रहा है जिसे सप्तर्षि कहा जा रहा है दोस्तों ये सेवन प्रायोरिटीज पर है तीन विजन है तीन विजन है दोस्तों बजट में और सेवन जो है प्रायोरिटीज है ठीक है सेवन प्रायोरिटीज है सप्तर्षी कहा जा रहा है सेवन प्रायोरिटीज के बारे में मैंने बजट वाले सेशन में बताया है बड़े डिटेल में बताया है इसको सातों प्रायोरिटीज को बताया है दोस्तों किस किस प्रायोरिटीज में क्या क्या चीजें हुई हैं यह भी मैंने आप लोग को बजट वाले सेशन में बताया है वॉक्स सेन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के मॉडल स्कूलों और जूनियर कॉलेजों की कक्षा नाइन टू ट्वेल्थ की किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है तो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन दोस्तों जो है ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है तेलंगाना ने दोस्तों लॉन्च किया ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों एशिया का दूसरा और भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु दोस्तों किस राज्य में बनाया जा रहा है किस राज्य में दोस्तों जो है बनाया जा रहा है तो ये जो है उत्तराखंड में बनाया जा रहा है बजरंग सेतु राम सेतु हो गया लक्ष्मण सेतु हो गया अब बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है ठीक है बात समझ में आ रही है यह जो है पुल जो है नब्बे साल पुराने लक्ष्मण झूला के बगल में आ रहा है तो दोस्तों लक्ष्मण झूला बहुत फेमस है ऋषिकेश में है, है दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों अप्रैल 2023 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ट विल बी हेड इन दर्बन साउथ अफ्रीका इन अगस्त तो दोस्तों आपको पता है कि अगर हम लोग से अगर ये पूछा जाए कि 2021 में इंडिया में हुआ तो 2022 में कहाँ होगा तो चाइना में हुआ चाइना के बाद कहाँ होगा तो साउथ अफ्रीका में ही होगा अल्फाबेटिकल दोस्तों ऑर्डर आता है ठीक है तो दोस्तों इस साल कहाँ होगा ब्रिक्स तो ये साउथ अफ्रीका में होगा ये तो हम लोग ट्रिक्स निकाल लेते हैं तो साउथ अफ्रीका में कहाँ होगा दोस्तों तो ये डरबन में होगा और दोस्तों जो है ये पंद्रहवीं जो है ब्रिक्स समिट होगी ये पंद्रहवीं ब्रिक्स सबमिट होगी ओके तो साउथ अफ्रीका को इसकी प्रेसिडेंसी मिल गई है ओके चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों कितने करोड़ रुपए उत्तराखंड को दिए हैं रीवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में Revamped का मतलब है दोस्तों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पावर सेक्टर में 2600 करोड़ रुपए उत्तराखंड में जो है दिए गए अंडरग्राउंड पावर लाइंस के लिए न्यू पावर लाइंस के लिए और सब स्टेशन के लिए ठीक है दोस्तों इंडिया की जो सर्विस एक्सपोर्ट है दोस्तों वो कितने टारगेट को पार कर गई है तो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो पार कर जाएगी दो में 300 डॉलर को 300 बिलियन डॉलर को दोस्तों पार कर जाएगी ठीक है लक्ष्य रखा गया है सर्विस एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया कर रही है दोस्तों की ग्रोथ यहां पे बताई गई है तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने दोस्तों दो दिन के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया आप देख सकते हैं कि जब दो दिन का प्रेशर एक साथ आता है तो कितने ज्यादा करंट अफेयर हो जाते हैं मेरे ऊपर प्रेशर है पढ़ाने वाले के ऊपर सोचो आप लोग अगर एक दिन का नहीं पढ़ते हो तो आपका कितना नुकसान होता है मेरे को समझ में आता है कि यार मैं एक भी करंट अफेयर ना छोड़ू यार मेरे बच्चे का नुकसान हो जाएगा लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे करंट अफेयर के शो भी देख रहे हो जिसमें दस पंद्रह करंट अफेयर हो रहे हैं या फिर ऐसे ऐसे भी आप जो है कि दोस्तों आप किसी दिन के करंट अफेयर को छोड़ देते हो वीकली के भरोसे इसीलिए मैंने इधर एक दो वीक में वीकली नहीं कराया मैंने कहा यार तुम लोग डेली करंट अफेयर की हैबिट बनाओ पहले ये वीकली और शॉर्टकट जिंदगी में कब खोजोगे यार कब तक खोजोगे जिस चीज की वजह से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है जो तुम्हारे घर में जो है कि खुशियां लाएंगी उसमें भी शॉर्टकट खोज रहे हो जहां पे पास नहीं होना है कुंजी नहीं चाहिए गाइड नहीं चाहिए कैप्सूल नहीं चाहिए जहां पे हमें टॉप पे आना है हमें सब पढ़ना पड़ेगा वहां पे भी तुम शॉर्टकट खोज रहे हो ये ग्रेजुएशन मेंटेलिटी हटाओ शॉर्टकट वाली शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलेगी देर इज नो की टू सक्सेस इन शॉर्टकट्स समझ में आ रही है तो ये बात याद रखिए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो आज का सेशन दोस्तों इतना ही रखते हैं ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने सेशन को किया और ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों आप लोगों ने भी जो है अंतिम तक जो है हौसला बनाए रखा बड़ी लंबी क्लास चल गई है बहुत लंबी क्लास चल गई है तो चलिए दोस्तों ऐसा कल नहीं हो पाई थी इस वजह से हुआ बहुत बढ़िया मज़ा आ गया सारे करंट अफेयर कंप्लीट करा के मुझे बहुत शांति मिल रही है मुझे बहुत शांति मिले चले दोस्तों ओके थैंक यू सो मच बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे लव यू ऑल